नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंक हब यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप पजल सीखना चाहते हैं तो जरूर ये तीनों क्लासेस को देखिए कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होगी काफी सारी आपकी तो दोस्तों मैं अनअकैडमी पर प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूं और मेरे प्लस पर कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक या फिर प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आइकॉनिक में ये एक्स्ट्रा फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं इसके प्राइजेस थोड़े से ज्यादा हैं प्राइजेस यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना है इसका 9,360 है दो साल का एक साल का 7,800 है इसका एक साल का 6,500 और दो साल का 7,800 है मतलब सीधा सीधा आप ये मान के चलिए कि जो इसका दो साल का सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ एक साल में मिलता है ठीक है एल वन जीरो आप कोड इस्तेमाल करके टेन परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं चलिए पहला पजल जल्दी से बनाने की कोशिश करिए तीन तीन से चार मिनट का समय है आप लोगों के पास इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए जल्दी से तीन क्लास होगी राजेंद्र जी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नहीं फील हो रहा कि नहीं और कर पाओगे क्लास कोई दिक्कत नहीं बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आज मेरा टारगेट था कि कम से कम मैं आज पचास पजल सॉल्व करवाऊंगा पूरे दिन भर में अभी तक अप्रॉक्स तीन छ छ तीन पंद्रह पंद्रह या सोलह पजल अभी तक हो चुके हैं टारगेट मेरा यही था कि आज पचास पजल करने हैं पूरे दिन भर में और सारी फ्री क्लासेस ही हैं आज आज कोई भी पेड क्लास नहीं है

पैरेलल रो में एक दो तीन चार पांच पहले वाले रो में जो लोग बैठे हुए वो लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं बी सी डी एफ जी तो बी सी डी एफ जी ये सभी के सभी ऐसे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं दूसरे में बोला है पी क्यू आर एस टी यू जो बैठे वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं पी क्यू आर एस टी यू ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं अब रहा है पी सीट्स सेकंड टू राइट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू सी जो भी बंदा सी के ऑपोजिट बैठा हुआ है जो भी बंदा सी के ऑपोजिट बैठा हुआ है उसके सेकेंड टू राइट में पी बैठा है तो इसका राइट right इस तरफ होगा ऐसा सेकेंड टू राइट मतलब ऐसा यहां पर पी हो जाएगा आगे आपको क्या बोल रहा है सी डेंट सीट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो ये सी जो है ये एंड पे नहीं बैठता है डी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी डी और ई e जो है ये दोनों ई e के सी के नेबर्स हैं डी और ई e. एंड वन ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड और इनमें से कोई एक जो होगा वो एंड पे बैठा हुआ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक यहां पर एंड पे बैठा होगा डी और ई e में से उसके बाद फिर सी होगा फिर डी और ई e में से कोई एक होगा और सी से जस्ट ऊपर जाकर एक छोड़कर यहां पर पी होना चाहिए काफी लोगों को लग रहा होगा सर इधर कैसे फिक्स कर दिए भाई यहां पर हो ही नहीं सकता था ये चीज पॉसिबल थी क्या नहीं क्योंकि देखो सी के इस तरफ जो भी पर्सन है तो यहां पर आपको ऊपर में दिख रहा है ना ये देखो सी से एक पर्सन छोड़कर एक और पर्सन है तो सी के जस्ट बगल वाला इस तरफ वाला नहीं हो सकता था एंड पे पॉसिबल नहीं था अब बोल रहे जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई जी जो है वो ई e का इमीडिएट नेबर नहीं है तो जी जो है वो ई e का इमीडिएट नेबर नहीं है एफ सिट नेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ई एफ जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है ई e से तो ई e से सेकेंड टू लेफ्ट में एफ अगर बैठा है तो ई e को आप यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि सेकेंड टू लेफ्ट में एफ यहां पर नहीं आ पाएगा पॉसिबल नहीं है इसीलिए फिक्स कर देते हैं e ई को यहां पर और डी को यहां पर अब देखो ई e से सेकेंड टू लेफ्ट में एफ यहां पर हो जाएगा जी अगर ई e के बगल में यहां पर नहीं बैठा है तो जी यहां पर बैठा होगा बचा कौन भाई बी बचा हुआ था बी को यहां पर रख देते हैं ठीक है 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 अब बोल रहा ई ई ई एफ एफ सिट टू 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 लेफ्ट लेफ्ट ऑफ बट नॉट आर मतलब F जो है वो e के second to left में है, लेकिन आर के ऑपोजिट नहीं है मतलब आर यहां पर नहीं आएगा पी इज अ नेबर ऑफ आर पी जो है वो आर का नेबर है P, R का नेबर है पर देखो आर यहां पर नहीं आ सकता तो आर यहां पर आएगा बट इज नॉट ऑपोजिट टू जी लेकिन वो जी के ऑपोजिट नहीं है ठीक है नीधर क्यू नॉटी आर एडजेसेंट टू एडजू और टी दोनों ही पी के एडजेसेंट नहीं है तो यहां पर क्यू और टी दोनों ही नहीं आ सकते आगे बोल रहे टी इज एडजेसेंट टू ईधर क्यू और आर बट नॉट बोथ टी जो होगा वो या तो क्यू का नेबर होगा या तो आर का नेबर होगा पर दोनों का नहीं होगा टी जो है वो या तो क्यू का नेबर होगा या तो आर का नेबर होगा पर दोनों का नहीं होगा U is neighbor नेबर ऑफ द पर्सन sits opposite टू एफ एफ के ऑपोजिट में जो भी है उसका नेबर यू है तो यू यहां पर आ जाएगा अब दोस्तों इस वाली कंडीशन को देखो आपको बोल रहे टी जो है वो या तो क्यू का नेबर है या तो आर का नेबर है तो यहां पर तो रख नहीं सकते टी को यहां पर अगर टी को आप रखोगे तो भाई क्यू तो यहां नहीं आ सकता क्यू यहां पर आ जाएगा तो टी जो होगा वो क्यू और आर दोनों का नेबर हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है इसीलिए टी को एंड पे रख दो क्यू को यहां पर रख दो अब वो सिर्फ और सिर्फ क्यू का नेबर है तो पी क्यू आर एस टी यू ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है उम्मीद करता हूं सभी का सेम आंसर बना होगा एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए सही है सबका तो देखो क्या बोल रहा है usp rqt usp rqt gfbedc gfbedc बिल्कुल सही है उम्मीद करता हूं सबका सही बना होगा नहीं बना है तो समझ में आ चुका होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों तीन से चार मिनट का समय है जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए चलिए सॉल्व हो चुका होगा कितने लोगों से सॉल्व नहीं हो पाया जल्दी से नो लिख दीजिए एक बार कमेंट में कमेंट में जल्दी से एक बार नो लिख दीजिए जिनसे सॉल्व नहीं हो पाया स्टार्ट करेंगे

कि मान लीजिए कि ये एक सर्कल है तो इस सर्कल को अगर मैं ओपन करता हूं तो ओपन करके ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ठीक है इस वाले वाले का नेबर इधर वाला बनेगा क्योंकि ये जाके ऐसे जुड़ने हैं तो बस इस प्रकार से थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन अपना अच्छा रखना पड़ेगा तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे तो ये थ्रेड मेथड हमने बना लिया यहां पर थ्रेड मेथड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब बोल रहा है के सिट थर्ड टू राइट ऑफ जे हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी बोल रहा है जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है जे बैठा हुआ है और क्या बोल रहा है के 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 सिट्स थर्ड थर्ड टू टू राइट राइट ऑफ जे जे जो है है वो J के right पे बैठा हुआ है। आगे आपको बोल रहा है थ्री पर्सन सीट बिटवीन पी एंड के पी और के के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो पी और के को सेट करेंगे पी और के के बीच में तीन लोग हैं तो कहीं पर भी आप बना सकते हो ऐसा बना लो पी को यहां रख के के को यहां रख लो या फिर पी को यहां रख के के को यहां रख लो कहीं पर भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है दिखेगा डिफरेंट लेकिन बनेगा सेम अब पी के लेफ्ट में जे है तो आपको पी का डायरेक्शन तो पता नहीं है तो आप कोई सा भी डायरेक्शन मान मान लो मान लेते हैं कि ये है डायरेक्शन कोई सा भी आप मान सकते हो आप नीचे भी मानोगे तो भी सही होगा तो पी को मैंने ऊपर की तरफ मान लिया लेफ्ट की तरफ में जे था तो लेफ्ट में मैंने ऐसे जे को रख दिया अब देखो जे से ऐसे राइट की तरफ में दो छोड़कर के होना चाहिए अगर मैं जे को ऐसे ऊपर का डायरेक्शन दूंगा तो राइट में एक दो तीन चार छोड़ कर के दिख रहा है ये तो पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको नीचे का डायरेक्शन देंगे ताकि इसके राइट में एक पर्सन फिर दो पर्सन और उसके बाद के आ जाएगा तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई हमारी अब क्या बोल रहा है एन बोला इमीडिएट नेक्स्ट टू नीदर जे नॉर पी जो एन है वो ना तो यहां पर आएगा जे के बगल में ना तो पी के बगल में आएगा आगे बोल रहा है ओ सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एन हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज जे बोल रहा है और 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 क्या बोला मतलब का का होगा, होगा। आगे बोल रहा है आपको एल एंड एम फेस अवे फ्रॉम द सेंटर ठीक है एल और एम दोनों आउटसाइड देखते हैं तो अगर दोस्तों यहां पर तो एल और एम तो है ही नहीं तो अभी छोड़ देते हैं इसको और क्या बोल रहा है नो वन सीट बिटवीन एल एंड ओ एल और ओ के बीच में कोई भी नहीं बैठता तो एल और ओ दोनों साथ में बैठते हैं द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन इमीडिएट नेबर ऑफ पी जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं तो अगर पी के इधर वाला नीचे देख रहा है तो ये वाला ऊपर की तरफ देखेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं उसके बाद लास्ट लाइन में क्या बोला इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेस द सेम डायरेक्शन एन के इमीडिएट नेबर जो होंगे ये दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस करेंगे तो ये सारी कंडीशंस हमने नोट कर ली अब दोस्तों यहां पर देखो सेम क्या चीज को हम यहां पर सेट कर सकते हैं थोड़ा सोचेंगे ये तो हो गया ये भी हो गया ठीक है दोस्तों एन और जे का डायरेक्शन सेम है ये तो आपको पता था तो अगर जे नीचे की तरफ देख रहा है तो एन भी नीचे की तरफ देखेगा अगर एन नीचे की तरफ देखेगा तो लेफ्ट की तरफ मतलब उधर बनेगा ऐसा देख जैसे कि अगर एन को यहां रखोगे तो ऐसा लेफ्ट बनेगा क्योंकि भाई एन नीचे देख रहा है जे नीचे देख रहा है तो एन भी नीचे देखेगा ना यहां पर आप एन को रख नहीं सकते यहां पर आप एन को रख नहीं सकते अगर आप एन को यहां पर रखोगे तो एन से सेकेंड टू लेफ्ट में ओ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर के है मतलब आप एन को यहां पर भी नहीं रख सकते एन को यहां पर रखोगे तो ओ यहां पर हो जाएगा आपको पता है एल और ओ के बगल में मतलब बीच में कोई भी नहीं है तो ओ के जस्ट बगल में यहां पर एल आ जाएगा ठीक है इसके अलावा दोस्तों और क्या है एल और एम आउटसाइड और कोई कंडीशन बोला है क्या और कुछ छूटा है क्या कंडीशन कौन सी कंडीशन रहेगी दोस्तों एन और जे सेम डायरेक्शन है तो ये नीचे हो जाएगा एन के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन है एन और जे सेम डायरेक्शन ए सेकंड टू लेफ्ट में ओ एल ओ साथ में क्या बच गया यार कुछ कार इन चार आउट है वो तो ठीक है नाम कौन कौन से बचे हुए हैं एक एम बचा हुआ है और क्या बचा है J K एल एम एन ओ पी क्यू क्यू बचा है और एम बचा है क्यू और एम ये दो लोग बचे हुए हैं ठीक है अगर ये दो लोग बचे हैं तो इसमें तो हम कुछ सेट कर ही नहीं पा रहे हैं चलो एक काम करते हैं रैंडमली कुछ भी रख के देखते हैं ठीक है मान लेते हैं कि q यहां पर है m यहां पर है तब क्या होगा आपको बोल रहा है कि l और m दोनों आउटसाइड देखते हैं तो भाई आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि l और m का डायरेक्शन क्या होगा नीचे होगा कि ऊपर होगा आप डिसाइड नहीं कर सकते इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको इस तरफ यहां पर रखना पड़ेगा l को और इसको m को और क्यू को ऐसा रखना पड़ेगा तभी आप डायरेक्शन डिसाइड कर पाओगे कि भाई एम अगर इस तरफ तरफ देख देख रहा रहा है है बाहर की तरफ देख रहा है, तो एल भी इस तरफ ऊपर की तरफ ही देखेगा क्योंकि दोनों के दोनों के आउटसाइड फेस कर रहे तो ये आउटसाइड हो गया दोनों का दोनों ठीक है अब दोस्तों आपको पता है कि एन के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये दोनों को आप ऊपर की तरफ नहीं दिखा सकते क्यों नहीं दिखा सकते क्योंकि ऊपर की तरफ देखने वाले फिर पांच लोग हो जाएंगे तो इसलिए ये भी नीचे देखेगा ये भी नीचे देखेगा अब अगर चार लोग नीचे वाले हो चुके हैं तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन गलत नहीं है ईशा जी सही है थोड़ा लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा दिमाग लगाना था एम और क्यू को रख के आप डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाते अगर आप क्यू को यहाँ रखते और एम को यहाँ रखते तो लेकिन जैसे ही एम को इधर रखे क्यू को इधर रखे तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था एक बार चेक कर लीजिए जिसने भी बनाया है सेम आया है कि नहीं आपका चलिए आंसर चेक करते हैं दोस्तों एल जे पी एम क्यू एन के ओ एल जे पी एम क्यू एन के ओ बिल्कुल सही है अब इसमें देख लेते हैं बाहर फेस करने वाले कौन कौन है ओ एम पी और एल ओ एम पी एल बाहर की तरफ देख रहे हैं तो यहां पर देखो आउटसाइड ओ एम पी और एल ये चार लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं बाकी लोग इनसाइड देख रहे हैं बिल्कुल सही है 100% परसेंट करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए दोस्तों चार से पांच मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को ट्राई कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ के जिनसे नहीं भी बने दोस्तों क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई किया करो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा काफी बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा ज्यादा समय दे दिया देखो ट्राई जब तक नहीं करोगे दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इस बात को याद रखो पजल अगर बनाना है तो खुद से ट्राई करने की आदत डालो कुछ भी बनाओ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनाओ कोई दिक्कत नहीं है धीरे-धीरे करके सीखोगे यहां पर क्या बोल रहा है आप लोगों को

अब देखो क्या बोल ओ लिव्स ऑन प्राइम प्राइम नंबर नंबर फ्लोर फ्लोर तो का कौन सा होता है भाई या तो थ्री होगा या तो फाइव होगा या तो सेवन होगा तीन पॉसिबिलिटी बन रही है आगे बोल रहे नंबर ऑफ पीपल ओ तो एन और ओ का पेयर बनेगा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि पेयर कैसे बनता है बताया ना भाई स्पेशल क्लास अटेंड किया करो सभी लोग

तो एल्टो जिसके पास भी है उससे ऊपर की तरफ रहता है बीच में दो तो इससे दोस्तों हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि आप ओ को यहां पर नहीं रख सकते क्यों नहीं रख सकते क्योंकि अगर ओ को यहां रखोगे इससे ऊपर आर इमीडिएट ऊपर हो जाएगा तो ये तो ओ हो नहीं सकता गलत है यहां पर ये दो में ही कोई पॉसिबिलिटी बनेगी बाद में देखेंगे अब बोल बोरे ओ नीधर हैज एल्टो नॉर निशान ओ के पास ना तो एल्टो है ना तो निशान है तो ओ के पास ना तो एल्टो है ना ही इसके पास निशान है आगे आपको बोल रहे देर इज वन पर्सन लिविंग बिटवीन द पर्सन हुआ निशान एंड एल्टो बोल रहे हैं अल्टो और निशान वाले के बीच में एक पर्सन रहता है तो निशान से एक पर्सन छोड़कर अल्टो यहां पर लिख देते हैं ठीक है इसके अलावा क्या बोल रहे दोस्तों ओनली वन परसेंट लिव बिटवीन एन एंड पी वाइल थ्री परसेंट लिव बिटवीन पी एंड एस बोल रहे और, और, और क्या बोल रहे वाइल थ्री पर्सन लिव बिटवीन पी एंड एस पी और एस के बीच में तीन पर्सन रहते हैं एक दो तीन अब बोल रहे है, तो है ना ही ये टॉप वाले फ्लोर पर रहता है अब थ्री परसेंट लिव बिटवीन क्यू एंड तीन पर्सन रहते हैं क्यू और स्विफ्ट के बीच में एक दो तीन ये हो गया स्विफ्ट टी नीदर है नॉर ऑडी टी के पास ना तो बीएमडब्ल्यू है ना ही ऑडी है इसके बाद दोस्तों ठीक है अब देखो आगे क्या बोल रहा है टू पर्सन आर लिविंग बिटवीन द पर्सन हु हैव ऑडी एंड स्विफ्ट दो पर्सन रहते हैं किसके किसके बीच में जिसके पास ऑडी और जिसके पास स्विफ्ट है तो ऑडी और स्विफ्ट वाले के बीच में दो पर्सन रहते हैं यहां लिख लेते हैं ऑडी दो पर्सन छोड़कर स्विफ्ट ठीक है इसके बाद देखो क्या बोल है द पर्सन लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर टोयोटा थर्ड फ्लोर में जो रहता है इसके पास टोयोटा है

या तो क्रेटा यहां पर होगा और क्या बोला है बट नॉट इमीडिएटली बट नॉट इमीडिएटली बोला है मतलब यहां पर क्रेटा नहीं हो सकता यहां पर क्रेटा होगा कन्फर्म हो गया ठीक है इसको हटा देते हैं अब क्या बोल रहे नीदर आर नॉर एस पास बीएमडब्ल्यू नहीं है तो ये बीएमडब्ल्यू से यहां पर ऐसे आर और एस लिख के क्रॉस कर देते हैं उसके बाद बोला यू लिव्स अबाउट टी यू जो है वो टी के ऊपर रहता है काफ़ी सारी कंडीशन थी ये देख के ही काफी लोग घबरा गए होंगे अरे सर कैसे बनेगा अरे अरे बाप रे ओ माय गॉड उड़ी बाबा तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है दोस्तों ये तो अभी प्री का पजल है मेंस का देखोगे तो फिर कैसे कैसे करोगे अगर ऐसे डर जाओगे तो डरना नहीं है ठीक है चलो इसको देखते हैं एक एक करके पॉसिबिलिटीज यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है देखते हैं भाई पहले इसको हटा देता हूँ मैं इसको भी हटा देता हूँ अब हमारे पास क्या ऐसा दिख रहा है पहले अच्छे से अच्छे से पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखो दोस्तों इसमें आप ले सकते हो मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर ओ पे लगाते हो तो ओ को आप यहां पर कर सकते हो तीन पे ले सकते हो पांच कहीं से भी किसी एक से स्टार्ट कर देते हैं ठीक है थीके? तो अगर मान लेते हैं कि ये पांच वाले पे ओ को हम ले रहे हैं मान लेते हैं पांच वाले पे ओ को ले रहे हैं ओ अल्टो तो हो नहीं सकता मतलब आप आर को यहां टॉप पे नहीं रख सकते टॉप पे रखोगे तो दो छोड़कर अल्टो आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है ओके जस्ट ऊपर आर को नहीं रख सकते मतलब आर यहां पर आएगा ये मिनिमम पॉसिबिलिटी बन रही है इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बन रही हाँ या ना जल्दी बताइए भाई अगर मैं ओ को यहां पर रखता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही पोजीशन दिखती है आर के लिए और तो कोई पोजीशन दिख ही नहीं रही क्योंकि ओ से जस्ट ऊपर में आर नहीं होना चाहिए मतलब यहां पर आप आर को नहीं ले सकते आर को यहां लोगे तो दो छोड़कर यहां पर आपका अल्टो नहीं आ सकता क्योंकि अल्टो ओ को नहीं पसंद है तो ये मिनिमम पॉसिबिलिटी बन रही है अब देखो दोस्तों आर से दो छोड़कर यहां पर हो गया अल्टो एल्टो अल्टो।, अल्टो जो भी है एल्टो से एक छोड़कर निशान रखना है अल्टो से एक छोड़कर अच्छा ओ से एन का पेयर बन रहा है पहले इसको रख लेते हैं से एन का पेयर बन रहा है तो एन हो जाएगा L2. ठीक है इसके बाद देखिए और क्या रख सकते हैं हम एन से एक छोड़कर पी रखना है और पी से तीन छोड़कर एस रखना है एन से एक छोड़कर अगर पी रखते हैं तो पी से तीन छोड़कर एस यहां पर आ जाएगा अगर एन से एक छोड़कर पी यहां रखते हैं तो पी से तीन छोड़कर एस यहां आ जाएगा मतलब आप कहीं पर भी पी को रखो यहां पी रखोगे तो यहां एस आ रहा है और यहां पर पी रखोगे तो यहां पर एस आ रहा है तो ऑब्लिक करके पहले ही रख दिया हमने कि भैया ये जगह तो फिक्स है एकदम ब्लॉक कर दो उस जगह को S और P के लिए ठीक है तो ये वाली दोनों कंडीशन हो गई अब इसके बाद देखो आपको और क्या पता है टी जो है वो इवन वाले पे होना चाहिए तो अगर टी इवन वाले पे होना चाहिए तो ये ऑड है ये ऑड है टी को टॉप पे रख दो टी के ऊपर यू होना चाहिए कंडीशन गलत हो गई खत्म खत्म हो गई कंडीशन आया ना जल्दी बताओ थोड़ा स्लो चल रहा है यार शायद गलत हो गया ना भाई टी को एट जैसे जैसी रख दिया आपको पता है टी से ऊपर यू होना चाहिए गलत हो गई कंडीशन रख ही नहीं सकते ओ को यहां पर रखना पड़ेगा कंफर्म था ये तो तो इसको इरेज कर देते हैं जो भी हमने रेड से लिखा है इसको पहले इरेज कर देते हैं अब चेक करेंगे अगर यहां पर ओ होता तो इसका पेयर क्या बनता दोस्तों ओ से एन यहां पर आ जाता ठीक है अब देखो ध्यान से देखना अगर एन से मैं पी को ऊपर की तरफ रखता हूं और भी कुछ था क्या ओ से ऊपर आर रखने के लिए पहले देख लेते हैं आर को यहां तो रख नहीं सकते आर यहां रख नहीं सकते आर 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 बहुत सारी जगह छोड़ देते हैं उसको अभी अभी इसको देखते हैं एन से पी रखना है अब एन से पी रखने के लिए दोस्तों हमारे पास एक ये जगह दिख रही है अगर पी को यहां पर रखोगे तो तीन छोड़कर एस यहां पर आ जाएगा ठीक है एन से अगर आप पी को नीचे की तरफ रखते तो तीन छोड़कर एस टॉप पे आ जाता जो कि मना किया गया है पॉसिबल नहीं था इसीलिए ऊपर की तरफ लिया हूं पी को ठीक है अब देखो P से तीन छोड़कर S हो गया N हो गया अब R को कहां पर रख सकते हो आप या कुछ और रख सकते हैं क्या T को देख लेते हैं T जो है वो इवन पे होना चाहिए ये ऑड है ये ऑड है ये ऑड है T यहीं पर आएगा एक इसके अलावा देखो T के ऊपर U रखना है तो U और R के लिए ये वाली दोनों जगह फिक्स हो गई कि R या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा U या तो यहां पर होगा या तो फिर इस वाली जगह पे होगा तो U अबलिकार कर देते एक नाम क्या बच गया जल्दी बता दो Q बचा था Q को सेट कर देते जैसे Q सेट हो गया तीन छोड़कर एक दो तीन छोड़कर यहां पर हो गया स्विफ्ट ठीक इसके अलावा देखो दोस्तों कौन कौन सी कंडीशन हो गई ये सब कंडीशन हो गई हमारी उसके बाद देखो ऑडी से दो छोड़कर स्विफ्ट और क्या था एस टी ओ में निशान नहीं आना चाहिए even S वाली कंडीशन भी हो गई है। अब बस, इसी को चेक करना पड़ेगा, बस यही बचा है और तो कुछ बचा नहीं है तो देखो आर को ना किसी एक जगह पे आपको लेना पड़ेगा किसी भी एक जगह पे लेके मान लेते ऊपर है ठीक है अब हमको चेक तो करना ही पड़ेगा तो किसी ना किसी जगह पे रख के चेक करते हैं कलर चेंज कर लेता हूं आर को यहां और कोई कलर लेते हैं ब्लैक ले लेते हैं आर को अगर यहां पर लेते हैं तो यू यहां हो जाएगा आर से दो छोड़कर यहां पर एल, ये ये देखो एल्टो आ जाएगा एल्टो ठीक है अब देखो उसके बाद क्या पता है आपको एल्टो से एक छोड़कर निशान रखना है एल्टो से एक छोड़कर निशान रखना है एल्टो से एक छोड़कर यहां टी पे निशान नहीं रख सकते ये देखो टी पे निशान मना किया गया है इसलिए एल्टो से एक छोड़कर यहां निशान को रखेंगे उसके बाद देखो और क्या चीज है आपके पास ऑडी से दो छोड़कर स्विफ्ट होना चाहिए तो स्विफ्ट से दो छोड़कर ऑडी तो को यहीं पर रखना पड़ेगा ठीक है टी को बीएमडब्ल्यू नहीं पसंद अगर टी को बीएमडब्ल्यू नहीं पसंद तो इसको बीएमडब्ल्यू पसंद हो जाएगा एक नाम कौन सा बच गया बस अब वो बता दो उसको यहाँ रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा क्या नाम बच गया एक का नाम बचा भाई स्ट्रीमिंग थोड़ा लेट हो रही है ऐसा लग रहा है कमेंट्स देर से आ रहे हैं बीएमडब्ल्यू तो आर को भी नहीं पसंद अच्छा आर को भी नहीं पसंद ना ये गलत हो जाएगा ठीक है तो आर को भी नहीं पसंद थी तो आर में बी कैसे आ सकती है नहीं हो सकता तो आर को नीचे ही लेना पड़ेगा यू को ऊपर ही लेना पड़ेगा ये अब सॉल्व होगा ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो क्लर्क लेवल क्लर्क लेवल बोल सकते हो आप इसको आर यू ठीक है आर और यू को हमने सेट कर दिया तो आर से दो छोड़कर यहां पर हो जाएगा एल्टो एल्टो से एक छोड़कर हो जाएगा निशान ठीक है उसके बाद ऑडी से दो छोड़कर स्विफ्ट ऑडी यहां पर हो गया ठीक है, एन और यू बचा हुआ है और क्या बच गया यू से तीन छोड़कर स्विफ्ट हो गया और डी दो छोड़कर स्विफ्ट हो गया टी को BMW Audi डी नहीं पसंद आर को और एस को भी नहीं पसंद यू और एन में किसको रखोगे अब कौन सी गाड़ी का नाम बचा हुआ है जल्दी बताओ एस निशान रॉन्ग है क्या गलत हो रहा है यार से एन एन से पी पी से तीन एस कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं पता नहीं समझ नहीं आ रहा है आर से दो छोड़कर एल्टो रखेंगे एल्टो से एक छोड़कर निशान निशान टी पर नहीं आ सकता तो निशान यहां पी बी एमडब्ल्यू आर बी एमडब्ल्यू नहीं हो सकता तो पी बी एमडब्ल्यू हो जाएगा एक नहीं कुछ गड़बड़ है दोस्तों क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ एक बार देखना पड़ेगा इसका आंसर टी आर एन यू एस टी क्यू ये तो सही सेंट्रो कहां से आ गया यार अच्छा सेंट्रो बचा था क्या रिटर्न निशान टोयोटा अल्टो निशान टी में कैसे आ जाए? निशान को टी में कैसे ले दिया यार ये देखो निशान को टी में ले दिया ये तो क्वेश्चन गलत है ये निशान में आ गया हमको तो मना किया गया टी निशान नहीं होना चाहिए ये देखो टी ड नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड डू नॉट लाइक निशान गलत है क्वेश्चन एंड लाइक लाइक निशान होना चाहिए था तब ये सही होता अगर लाइक like निशान बोलेगा तो ये कैसा चेंज होगा रुको मैं करके बता रहा हूं आर से यहां पर एल्टो हो जाएगा एल्टो से यहां पर निशान हो जाएगा ठीक है फिर स्विफ्ट से दो छोड़कर आपको ऑडी रखना है ये ऑडी हो गया अब अगर आर को बीएमडब्ल्यू नहीं पसंद तो बी एमडब्ल्यू एन में आ जाएगा और यहां पर सेंट्रो आ जाएगा ये एक कंडीशन है यहां पर एंड लाइक निशान होना चाहिए था ये डू नॉट यहां पर नहीं आएगा ये दो छोटे छोटे वर्ड्स ने हालत खराब कर दी रॉन्ग था क्वेश्चन गलती थी क्वेश्चन में ठीक है तो अब बिल्कुल सही बना है एक बार चेक करते हैं अब ऑडी सेंट्रो बीएमडब्ल्यू स्विफ्ट ऑडी सेंट्रो बीएमडब्ल्यू स्विफ्ट एल्टो टोयोटा निशान क्रेटा टोयोटा, ठीक है पी आर एन यू पी आर एन यू एस ओ टी क्यू एस ओ टी क्यू बिल्कुल सही है अब बिल्कुल सही है एक स्टेटमेंट गलत दी हुई थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए दोस्तों तीन से चार मिनट का समय है आप लोगों के पास ट्राई करिए जल्दी से इसको सॉल्व करने का बड़े कम लोग आए हैं यार के लिए जिनसे नहीं बना एक बार नो लिख दीजिए जल्दी से फटाफट कमेंट में जिनसे नहीं सॉल्व हो पाया नो लिख दीजिए फटाफट कमेंट में क्या बोल रहा है दोस्तों देर आर एट मेंबर्स इन अ फैमिली पी एम एन ए आर डी जे एंड वाई ईच ऑफ देम हैज अ रिलेशनशिप विद पी पी की मम्मी पी की बहन पी की वाइफ पी का सन पी का फादर पी का ब्रदर पी की डॉटर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर तो सबसे पहले आप पी का पूरा खानदान यहां पर बना लीजिए तो ये पी पी की क्या क्या बोला है देखो पी की वाइफ बोला है मतलब पी एक मेल मेंबर इसकी वाइफ इसके क्या बोला है भाई मदर मदर यहां पर बना लो फादर बोला है क्या देखो फादर भी बोला है तो ये फादर भी बना लो यहां पर फिर उसके बाद एक सिस्टर भी बोला है ब्रदर भी बोला है तो सिस्टर और ब्रदर बनाना है तो ये एक सिस्टर हो गई एक ब्रदर भी हो गया ठीक है उसके बाद क्या बोला है सन और डॉटर तो इसके सन और डॉटर भी हैं एक सन हो गया एक डॉटर हो गई चार पांच सात आठ पूरे आठ लोगों की फैमिली बना ली है हमने ठीक है पूरा हमने आठ लोगों की फैमिली बना ली यहां पर पी से संबंधित है सारे लोग अब क्या बोल रहे एक लाइन में ये लोग बैठते हैं नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो चलो भाई लाइन बना लेते हैं, अब। ये में बैठते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं आर सीट सेकेंड टू राइट ऑफ पीस सन अब पी का बेटा कौन है भाई हमको नहीं पता तो स्टार लिख देते हैं यहां पर तो बोल रहे मतलब आपको ए एंड पीज ब्रदर आर सिटिंग टूगेदर ए एंड पीज ब्रदर तो पी का भाई कौन है ये कौन है हमको नहीं पता था तो हैश लिख देते हैं बोल रहा है कि पी ए और पी का भाई दोनों साथ में बैठते हैं मतलब पी और हैश दोनों साथ में बैठते हैं तो पी और हैश ऐसे साथ में बैठते हैं दोनों आगे बोल रहा है पीज ब्रदर सिट लेफ्ट ऑफ पी पी का जो ब्रदर है तो पी का ब्रदर कौन है हैश, वो लेफ्ट में बैठता है किससे पी से ये सेकेंड टू लेफ्ट हो गया अब बोल है टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड पीज सिस्टर ए और पी की सिस्टर तो पी की सिस्टर कौन है हमको नहीं पता कॉपी तो बोल रहा है कि दो लोग बैठते हैं ए और पी की सिस्टर के बीच में तो दो लोग बैठते हैं कॉपीराइट और ए के बीच में आगे आपको बोल रहा है डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ने फादर अब पी के फादर कौन है भाई हमको नहीं पता परसेंटेज तो बोल रहा है कि डी डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ फादर फादर पी के यानी परसेंटेज का इमीडिएट नेबर होगा डी या तो लेफ्ट में या तो राइट right में टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एम्स ब्रदर आर एंड एम्स ब्रदर अब ध्यान से सुनिएगा हाँ यहां पर बोल रहा है दो लोग बैठते हैं आर और एम के ब्रदर के बीच में तो आर और एम के ब्रदर के बीच में तो यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा एम्स ब्रदर क्योंकि भाई एम कहां पर हो सकता है एम का भाई ये देखो एम यहां पर भी हो सकता है एम का भाई एम का भाई एम का भाई कहीं भी हो सकता है इसलिए आप एम को सेट नहीं कर पाओगे इसलिए हमने कहीं पर भी सेट नहीं किया एंड कैश होगा पीपल आर सिटिंग बिट्वीन ए एंड पीज सिस्टर ए एंड हैश कैसे होगा पीज ब्रदर सिट सेकेंड टू लिफ ए ए एंड पीज ब्रदर आर सिटिंग टूगेदर ए एंड पीज ब्रदर अच्छा ए और हैश होगा ऐसा बोल रहे हो यहां पर पी और हैश जो लिखा हूं ठीक हाँ है ये ए होगा यहां मैंने पी लिख दिया ए और हैश दोनों साथ में बैठे हैं अब देखो क्या बोला टू पीपल सिट बिटवीन पीस सन एंड पीस फादर तो पी का सन मतलब स्टार पी का फादर मतलब परसेंटेज तो परसेंटेज और स्टार के बीच में कितने लोग बैठते हैं टू परसन दो पर्सन बैठते हैं डी सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द लाइन तो राइट एंड पे यहां पर डी बैठता है डी को बना लेते हैं अब जो है वो परसेंटेज का नेबर है मतलब यहां पर परसेंटेज आ जाएगा क्यों? आपको बोला है ना डी जो है वो परसेंटेज का है। ये वाली the right of the तो यहां पर तो भाई दो ही फादर दिख रहे हैं या तो ये फादर है या तो ये फादर है और तो कोई फादर है ही नहीं तो बोल रहा है वाई के जो भी फादर होंगे सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पीस डॉटर पी की डॉटर के साइड में बैठे इमीडिएट राइट right में बैठे हैं तो इसकी डॉटर कौन है हमको तो नहीं पता एक कोई भी सिंबल बता दो भाई सिंबल uh, कौन सा ले ले मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं या प्लस ले लेते हैं तो आपको क्या बोल रहा है यहां पर फिर से देखो वाईज फादर सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ पीज डॉटर वाई के जो फादर हैं तो वाई के फादर तो हमको पता नहीं तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहां पर ऐसा लिख लेते हैं वाईज फादर सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ पीज डॉटर तो वो प्लस के इमीडिएट राइट right में बैठते हैं काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बिगिनर्स के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर पी जो है वो आर का इमीडिएट नेबर नहीं है ठीक है भाई आर का इमीडिएट नेबर नहीं है पी तो यहां पर वैसे पी को लिख के क्रॉस कर देते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है पीज वाइफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई पी की जो वाइफ है वो इमीडिएट नेबर है वाई की तो भाई पी की वाइफ मतलब वाइफ में क्या बना सकते हैं माइनस का साइन बना देते हैं तो पी की वाइफ जो है वो इमीडिएट इमीडिएट नेबर नेबर है किसकी पी इज इज नॉट एन एन ऑफ आर वाइफ इमीडिएट नेबर ऑफ वाई तो वाई की इमीडिएट नेबर है पी की वाइफ यानी कि या तो इधर होगी या तो इधर होगी जे इज यंगर देन एन जे जो है वो यंगर है एन से मतलब एन से नीचे की तरफ होना चाहिए जे पीज मदर सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन पी की जो मदर है वो किसी एक एंड पर बैठती है अरे बाप रे मतलब हम बोल रहे हैं झुकेगा नहीं पतल बोल रहे हैं मैं रुकेगा नहीं खत्म ही नहीं हो रहा है फाइनली अब खत्म हुआ तो बोल रहा है पीज मदर सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन किसी एक एंड पे पी की मदर बैठती हैं तो पी की मदर कौन हो सकती हैं भाई हम्म hmm. बड़ा मस्त क्वेश्चन है यार ये तो देखो 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 क्या कर सकते हैं सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ मैं भी इधर बैठ जाता हूं सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ कुछ तो बनेगा क्या बनेगा डी एम का ब्रदर टी e ए क्या हो सकता है डी को इसकी मम्मी मान लेते हैं यार इमेजिन कर लेते हैं कि डी इसकी मम्मी है अच्छा ओके एक चीज हम कर सकते हैं को इसकी आर को कहाँ सेट करें यार आर से आर देखो अच्छा हाँ स्टार से दो छोड़कर परसेंटेज है ना परसेंटेज से दो छोड़कर यहाँ पर स्टार आ जाएगा ठीक है ये तो सही है अब कलर चेंज कर लेते हैं अब स्टार से एक छोड़कर राइट में आर है तो स्टार से एक छोड़कर यहां पर आर आ जाएगा आर के बगल में पी नहीं होना चाहिए मतलब पी यहाँ पर और यहां पर पी नहीं आएगा ये वाली कंडीशन हो गई पी एक छोड़कर हैश लेना है तो पी स्टार तो हो नहीं सकता भाई पी यहां पर आएगा नहीं क्योंकि स्टार कौन है स्टार तो उसकी बेटी है ना तो पी स्टार पे कैसे आ जाएगा तो पी को यहीं पर रखना पड़ेगा पी के सेकंड टू लेफ्ट में हैश आएगा यहां पर हैश आ जाएगा ये कंडीशन भी हो गई ए और हैश दोनों साथ में बैठते हैं मतलब ये देखो ए यहां पर हैश यहां पर ये यह कंडीशन भी हो गई ए से दो छोड़कर कॉपी है ए से दो छोड़कर यहां पर कॉपी हो जाएगा ये कंडीशन भी हो गई स्टार से दो छोड़कर परसेंटेज ऑलरेडी पहले हम सेट कर चुके हैं सारी कंडीशन हो गई मजेदार अब देखो दोस्तों और क्या आर से दो छोड़कर एम का भाई है तो आर से दो छोड़कर एम का भाई आर से दो छोड़कर एम का भाई मतलब पी तो पी अगर एम का भाई है तो एम ये हो सकता है ये हो सकता है बाकी सारी चीजों को मैं हटा देता हूं पहले तो बाकी सारी चीजों को मैं पहले हटा देता हूं अब देखो आर से दो छोड़कर एम का भाई था तो एम का भाई ये देखो एम का भाई पी इसका भी भाई है इसका भी भाई है ये दोनों जगह पे एम आ सकता है हैश और कॉपीराइट पे तो यहां पर भी एम हो सकता है और हैश पे भी एम हो सकता है ये दोनों जगह पे एम हो सकता है ठीक है इसके अलावा देखो दोस्तों प्लस पी की वाइफ तो पी की वाइफ कौन हो सकती है ये पी की वाइफ नहीं हो सकती एक मिनट रुकना है ना ध्यान से देखते जाना भाई हैश पी की वाइफ नहीं हो सकती क्योंकि वो पी का भाई है ठीक है स्टार उसकी बेटी है तो वो भी पी की वाइफ नहीं हो सकती इसके अलावा देखो दोस्तों तो कॉपीराइट जो है कॉपीराइट उसकी बहन है तो ये भी उसकी वाइफ नहीं हो सकती तो कौन कौन नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये खुद अपनी वाइफ तो हो नहीं सकता यहां भी नहीं हो सकता यहां भी नहीं हो सकता परसेंटेज इसके फादर है है तो ये भी इसकी वाइफ नहीं हो सकती ठीक हैश है है? है अगर इसका भाई है हैश अगर पी का भाई है मतलब डेफिनेटली उसकी मम्मी होगी तो डी को यहां पर लिख देते हैं उसकी मम्मी होगी अगर मम्मी है तो उसकी वाइफ कैसे हो सकती है अब इसकी वाइफ कौन कौन हो सकता है दोस्तों या तो ए या तो आर बस ये दो जगह दिख रही है जो उसकी वाइफ हो सकती है ठीक है सिर्फ दो ही जगह दिख रही है जो उसकी वाइफ हो सकती है या तो आर उसकी वाइफ होगी या तो ए उसकी वाइफ होगी आर या तो ए। आर या तो ए। अच्छा वाई के फादर बोला है ना ये वाली कंडीशन से सॉल्व होगा उसकी वाइफ के इमीडिएट राइट में वाई के फादर बैठते हैं तो भाई फादर यानी कि दो ही पर्सन फादर बन सकते हैं या तो पी या तो परसेंटेज भाई या तो ये फादर बनेगा या तो ये फादर बनेगा तो आर के बगल राइट में ये देखो आर के बगल में भी है ए के बगल में भी है मतलब ए और आर यही दो कंडीशन दिख रही है जो उसकी वाइफ हो सकती है हमको अब ये पता है कि भाई ये वाई को आपको ना उसके नेबर में लेना है किसके नहीं यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड उसकी बेटी है ये बेटी के बगल में फादर है ना सॉरी 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 इसकी बेटी जो है पी की जो बेटी है प्लस उसके इमीडिएट राइट में वाई का फादर है पी की बेटी के इमीडिएट राइट में उसका फादर है ठीक है तो पी की बेटी प्लस प्लस के राइट में फादर तो फादर दो लोग हैं या तो पी या तो परसेंटेज पी या तो परसेंटेज मतलब आर जो है वो उसकी बेटी हो सकती है या तो फिर ए उसकी बेटी हो सकती है और आर और ए ही इसकी वाइफ या डॉटर बनेंगे तो ये तो ना तो कंफर्म हो गया कि आर और ए में से ही उसकी कोई एक वाइफ है और एक डॉटर है ये कंफर्म हो गया एकदम अब क्या बच रहा है दोस्तों और क्या कर सकते हैं काफी कंफ्यूजिंग है यार क्वेश्चन के रिश्ते खूनी रिश्ते बोल सकते हैं खूनी शैतान खूनी पजल वाय के फादर कौन बनेंगे यार यहां पर भी वाय आ सकता है तार की जगह पे भी वाय आ सकता है या फिर हैश और कॉपीराइट की जगह पे भी वाई आ सकता है तो वाई के लिए तीन जगह दिख रही है वाई के लिए तीन जगह दिख रही है स्टार कॉपीराइट हैश वाई वाई और वाई अब पॉसिबिलिटी लेना ही सही बनेगा नहीं तो नहीं बन पाएगा ये अब पॉसिबिलिटी लेके ही इसको चेक करना पड़ेगा पॉसिबिलिटी लेके ही चेक करना पड़ेगा दोस्तों नहीं तो नहीं बनेगा मान लेते हैं अब कुछ ना कुछ मानते हैं तो कोई एक ऐसा कलर लेते हैं जो हम इरेज कर सके बाद में ग्रीन कलर ले लेते हैं ठीक है अब ऐसा मान के चलते हैं कि आर जो है वो इसकी बेटी है ठीक है आर को इसकी बेटी मान लेते हैं और ए इसकी वाइफ मान लेते हैं आर इसकी बेटी मान ले लेते हैं या आर को इसकी वाइफ मान लेते हैं और ए इसकी बेटी मान लेते हैं ठीक है, है? तो इसकी बेटी के बगल में वाई के फादर हैं, तो बेटी के बगल में वाई के फादर हैं, बेटी के बगल में मतलब ए के बगल में जो है वो वाई के फादर है तो पी अगर वाई का फादर है मतलब ये वाई हो जाएगा ठीक है वाई जो है वो स्टार की जगह पे आ जाएगा यहां पर ठीक इसके अलावा दोस्तों प्लस वाली जगह तो कोई थी नहीं माइनस वाली भी जगह यहां पर कोई थी नहीं तो आर इसकी वाइफ है तो यहां पर हमने वाइफ मान लिया ये माइनस ये आर ठीक है इसकी वाइफ बन गई बचा क्या आपके पास एम के लिए दो जगह दिख रही है आपको कॉपीराइट और हैश M किसी एक जगह पर आ सकता है क्या बच रहा है यार कुछ तो बच रहा है नाम क्या क्या थे एम एन ए एम एन एन बचा हुआ है एक बचा हुआ है ठीक है अच्छा यार ठीक है ठीक है ये गलत हो रहा है वाई के बगल में तो इसकी वाइफ आनी चाहिए ना तो वाई के बगल में आर कहां दिख रही है कंडीशन गलत हो रही है चेंज करना पड़ेगा ठीक है बिल्कुल सही कंडीशन गलत हो रही है यहां पर आप वाई को ले ही नहीं सकते ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी मतलब पॉसिबिलिटी तो बन रही है वाई की यहां पर बट ये आप नहीं ले सकते इसको चेंज करके देखते हैं अब अगर आर को यहां और ए को यहां करते हैं आर को अगर यहां पर और ए को यहां पर करते हैं तो इसको मैं लिख ही देता हूं अब इसके अंदर ये ए हो गया ये ए हो गया जो कि माइनस का साइन था ये आर हो गया जो कि प्लस का साइन था ठीक है अब देखो दोस्तों प्लस के राइट में वाई के फादर है तो प्लस के राइट में वाई के फादर है मतलब जगह पे एम ऑब्लिक वाई आ गया आपको ये तो कन्फर्म हो गया यहां पर एम और वाई में से कोई एक आएगा यहां पर एम और वाई में से कोई एक आएगा अब देखो वाई के बगल में अगर उसकी वाइफ होनी चाहिए मतलब ए होना चाहिए तो y को यहीं पर रखना पड़ेगा कंफर्म हो जाएगा क्योंकि ए ही उसके बगल में है तो हैश की जगह पे y आ जाएगा कंफर्म हो गया यहां पर एम आ जाएगा कन्फर्म हो गया यहां पर वाई आएगा यहां पर ए आएगा कन्फर्म हो गया कहां पर यहां पर तो ये इसको लिख देते हैं हैश और हैश की जगह पे वाय कॉपीराइट की जगह पे ए, ए नहीं सॉरी क्या था एम ठीक है अब देखो दोस्तों और क्या बोला था प्लस के बगल में वाई के फादर तो प्लस के बगल मतलब आर के बगल में उसके फादर बैठे तो फादर बैठे कौन बच गया भाई हमारे पास नाम दो नाम बचे एन और जे एन से छोटा जे है तो ये तो हो नहीं सकता एन से छोटा जे है तो ये स्टार जो होगा वो जे हो जाएगा स्टार जो है ये जे हो जाएगा ये एन हो जाएगा फाइनली सॉल्व जबरदस्त क्वेश्चन तो यहां पर आ जाएगा परसेंटेज की जगह पे एन और जे आ जाएगा यहां पर वाई ए पी जे वाई ए पी जे एम आर एन डी एम आर एन डी बिल्कुल सही एकदम हंड्रेड परसेंट करेक्ट बनाए हैं डी और एन वाइफ, पी और ए वाइफ। देखते हैं तो ये तो सब दिया ही हुआ है ब्रदर और वाइफ तो यहां पर देख लो भाई ये देखो ये वाई जो है ब्रदर उसके बाद ए जो है इसकी वाइफ है उसके बाद देखो पी का खुद से तो कोई रिलेशन होगा नहीं उसके बाद उसका सन है फिर उसके बाद उसकी सिस्टर है सिस्टर तो एम ये देखो एम उसकी सिस्टर उसके बाद आर उसका क्या लगता है आर उसकी बेटी डॉटर फादर मदर डॉटर फादर मदर बिल्कुल सही परफेक्ट क्वेश्चन एकदम हंड्रेड परसेंट करेक्ट मजा आ गया सॉल्व करके ऐसे सॉल्व करना चाहिए दोस्तों जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि बनाने की कोशिश करिए बनाने की कोशिश करिए वो ये बोलता हूँ मैं जैसे मैं ट्राई कर रहा था चाहता तो मैं भी गिव अप कर देता अरे छोड़ो यार इस पजल को कुछ दूसरा बना लेते हैं टाइम ही तो लगेगा पर दिमाग इसी से तेज होगा इसी से आपकी पजल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपका दिमाग तेज होगा तो आप बाकी क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे ट्राई करते रहिए भले दो घंटा लगे तीन घंटा लगे छोड़ना नहीं है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए तीन से चार मिनट का समय दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को तीन से चार मिनट का समय दे रहा हूँ जल्दी से बनाने की कोशिश करिए सॉल्व okay, चलो काफी सारे लोगों के तो डन के मैसेज आ रहे हैं स्टार्ट करते हैं दोस्तों वैसे कोई बहुत बड़ा पजल नहीं था फिर भी ज्यादा ही समय दे दिया मैंने एट फ्रेंड्स एम एन देयर बर्थडे ऑन डिफरेंट मंथ तो एक लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं ठीक है एक लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके अलग अलग मंथ में बर्थडे आते हैं तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अब मंथ जो आप लोगों को दिए हुए हैं वो मंथ कहां से कहां तक है जनवरी से लेकर जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त तो ये आठ महीने आपको दिए गए हैं अब इनके दिन को नोट कर लेते हैं भाई इकतीस दिन अट्ठाइस दिन फिर इकतीस दिन फिर तीस दिन फिर इकतीस दिन फिर तीस फिर इकतीस फिर इकतीस अब हो रहा है एस सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इज इन अप्रैल अप्रैल मंथ मंथ जिसका भी में है बर्थडे उससे थर्ड टू लेफ्ट में एस बैठता है एम सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इज इन जून मंथ एम सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन एम थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है जिसका बर्थडे जून में है उससे मोर देन टू परसेंट मेंसन बैठते हैं मतलब दो से ज्यादा लोग बैठते हैं अब बोल एस एंड एम आर नॉट इमीडिएट इमीडिएट नेबर नहीं है मतलब यहां पर एम नहीं आएगा एस के बगल में क्यूज बर्थडे इज इन दंथ विच P

क्या वन हुज बर्थडे इज इन जनवरी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वन हुज बर्थडे इज़ इन अप्रैल अप्रैल वाले से पहला दूसरा तीसरा थर्ड टू लेफ्ट में जनवरी वाला बैठता है इज इन द मंथ विच हैज अच्छा ओ पढ़ लिया था क्या नो no को नो no को ओ पढ़ लिया था ठीक है नो पर्सन सिट बिटवीन एल एंड वन हुज बर्थडे इज इन दंथ विच कि Uh, एक तो है यार एस एंड एम आर नॉट नेबर्स ऑफ ओ. And M are not of o, अच्छा। से पढ़ लेता हूं जून मंथ ठीक है मोर देन टू परसेंट बिटवीन ओ एंड आर ओ आर आर के बीच में दो से ज्यादा लोग बैठते हैं ठीक है।, uh, है वो लेफ्ट में बैठता है ओ से ठीक है ये नहीं बनाया था मैं आर सिट्स लेफ्ट ऑफ ओ आर सिट्स लेफ्ट ऑफ ओ ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा था आपको एस एंड एम आर नॉट के नेबर नहीं है तो एस और एम यहाँ पर नहीं आएंगे ठीक है उसके बाद क्या बोला है इज इन मंथ not an लेस देन of डेज Q इज नॉट वो P का इमीडिएट नेबर नहीं है इमीडिएट नेबर ऑफ पी डज नॉट हैव बर्थडे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑगस्ट के मंथ में उसका बर्थडे नहीं है एल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ओ एल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ओ नो पर्सन सिट बिटवीन एल एंड द वन हुज बर्थडे इज इन द मंथ विच हज लेस दें थर्टी डेज मतलब एल और क्यू के बीच में कोई भी नहीं है द वन हुज बर्थडे इज इन जनवरी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इज इन अप्रैल ठीक है तो ये एस वाला जनवरी हो जाएगा दोस्तों कंफर्म हो गया एस वाला जनवरी हो जाएगा क्योंकि ये वाली कंडीशन ये वाली कंडीशन दोनों सेम है ये देखो ये कंडीशन ये कंडीशन दोनों सेम है ठीक है अब क्या बोल रहा है एल सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन एल जो है वो किसी एक एंड पर बैठा हुआ है तो ओ okay, के अगर राइट right साइड में है तो डेफिनेटली एल यहां पर होगा ओ यहां पर हो जाएगा ये वाली कंडीशन हो गई ठीक उसके बाद देखो दोस्तों और क्या बोल रहा है एल सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन द वन बर्थडे इज इन मार्च हुए सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु बर्थडे इज इन जनवरी द वन सिट क्या द वन हूज बर्थडे इज इन मार्च सिट सेकंड टू राइट मार्च वाला जो भी होगा वो सेकेंड टू राइट में बैठा हुआ है किससे इज़ इन जनवरी मतलब एस सेकेंड टू राइट में बैठा हुआ है ठीक है द वन हुज बर्थडे इज इन जुलाई सिट सेकेंड टू राइट ऑफ एन एन के सेकेंड टू राइट में जुलाई वाला बैठा है ठीक तो ये वाली कंडीशन को हटा देते हैं दोस्तों इसकी जरूरत नहीं थी ओ से दो छोड़कर एल हो गया ये वाली कंडीशन को हटा देते हैं अब आपको पता है ओ के लेफ्ट साइड में आर होना चाहिए और दो से ज्यादा लोग है तो अगर ओ से लेफ्ट तरफ में दो से ज्यादा मतलब तीन लोग छोड़कर आर को रखोगे तो आर यहां पर आ जाएगा ओ और आर वाली कंडीशन हो गई ओ के बगल में एस और एम नहीं आने चाहिए तो यहां पर एस और एम नहीं आएंगे इन दोनों जगह पे ठीक है ये पूरी की पूरी ये वाली कंडीशन हमारी हो गई क्यू और एल दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो एल के बगल में क्यू यहां पर हो जाएगा पी के बगल में क्यू नहीं होना चाहिए मतलब इस जगह पे पी भी नहीं आएगा अब देखो अप्रैल से दो छोड़कर एस रखना है आपको या फिर ऐसा बोल सकते हैं एस से एक छोड़कर मार्च वाला रखना है एस को आप कहां कहां पर नहीं रख सकते ये दो जगह पे नहीं रख सकते तो दो पॉसिबिलिटी बनती है हम हमारे पास मान लेते हैं कि एस जो होगा वो यहां पर है

अब एन से एक छोड़कर जुलाई रखना है एन यहां रखोगे तो एक छोड़कर जुलाई हो जाएगा पॉसिबल नहीं है तो एन को यहां पर रखो एक छोड़कर ये हो गया जुलाई ठीक है उसके बाद क्या बोला है दोस्तों से से जुलाई एस से मार्च जनवरी और फेबर तो हमारे पास था ही इसको फेब लिख देते हैं जनवरी एस था ये यहां पर जनवरी लिख देते हैं और क्या बच गया पी के बगल में अगस्त वाला नहीं होना चाहिए पी कहां पर है भाई पी कहीं पर भी नहीं आ रहा पी को यहां पर रख देते हैं पी के बगल में अगर अगस्त नहीं है तो यहाँ पर अगस्त आ गया एक मंथ कौन सा बच गया जल्दी से बता दो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई बचा हुआ है मई को यहाँ रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व एक बार चेक करो कुछ गलत तो नहीं है जल्दी से चेक करके बताइए कुछ गलत तो नहीं है इसमें चलिए तो चेक कर लेते हैं इसको एम आर एस एम ओ एन एल पी ओ एन क्यू एल ठीक है बिल्कुल सही है अगस्त जनवरी मे मार्च अगस्त जनवरी मे मार्च अप्रैल जून फेब जुलाई अप्रैल जून फेब जुलाई ठीक है बिल्कुल सही है दोस्तों हंड्रेड परसेंट करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों इसके लिए तीन से चार मिनट का समय दे रहा हूं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं दोस्तों मैं तो थोड़ा पांच दस मिनट लग जाएगा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं बीच में चाय वाय किसी को पीना है तो चाय वाय पी लीजिए ठीक है पांच दस मिनट का ब्रेक कर लेते हैं तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व सोल्व करिएगा टेलीग्राम चैनल दोस्तों एट द रेट बैंकर्स वन जीरो ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो बैंकर्स वन जीरो और एट द रेट बैंकिंग क्रॉनिकल वाई टी बैंकिंग क्रॉनिकल के नाम से दोस्तों मेरा मेन यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ वगैरह क्लासेस के इंफॉर्मेशन सब कुछ यहां पर मिलते रहता है ठीक है तो जरूर इसको सब्सक्राइब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बैंकिंग क्रॉनिकल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे इस क्वेश्चन को बनाइए तीन से चार मिनट का समय है चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं उम्मीद करता हूँ पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर लगे इसके लिए मैं और थोड़ा सा समय दे दूंगा नेक्स्ट इस इस वाले में पहले बना लेते हैं क्वेश्चन को तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहां पर फाइव पीपल जेके एल एम एन हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्स एंड लाइक डिफरेंट कलर अलग अलग कलर ये लोगों को पसंद है नॉट द सेम ऑर्डर तो पांच लोग हैं तो यहां पर लिख लेते हैं पांच चार तीन दो एक अब इसके बाद क्या बोल रहा है आपको द वन हु लाइक येलो हैज मोर नंबर ऑफ कार्स देन द वन हु हैज ब्राउन तो येलो वाला जो होगा उसके पास ज्यादा कार है किससे ब्राउन वाले से तो ऊपर की तरफ होगा आगे बोल रहा है एन हैज मोर नंबर ऑफ कार देन के एन के पास ज्यादा कार है किससे के से द वन हु लाइक रेड हैज लेस नंबर ऑफ कार देन एल हैज तो बोल रहा है जिसके पास भी रेड कलर की कार है उसके पास कम कार होगी द वन हु लाइक्स रेड द वन हु लाइक्स रेड जिसको रेड कलर पसंद है उसके पास कम कार है एल से एल से नीचे की तरफ होगा एल हैज मोर नंबर ऑफ कार देन द वन हु लाइक्स ब्लू एल के पास ज्यादा कार है किससे ब्लू वाले से द द वन हु हैज सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ कार्स लाइक ब्लू यहां पर ब्लू आ जाएगा सेकंड लीस्ट में आगे बोल रहा है एम डज नॉट लाइक येलो एम को येलो नहीं पसंद है तो यहां येलो में एम लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं अब रहा है जे डज नॉट लाइक रेड एंड ब्लू जे को रेड और ब्लू नहीं पसंद है तो यहां पर लिख देते हैं जे नहीं होगा यहां पर भी जे नहीं होगा या फिर यहां पर लिख देते हैं जे नहीं होगा आगे बोला एटलीस्ट टू पीपल हैव मोर नंबर ऑफ कार्स देन एल एल हैज टू पीपल से ऊपर होने चाहिए at least मतलब मिनिमम दो तो होने ही चाहिए मिनिमम दो होने चाहिए मतलब एल के लिए ये तीन जगह दिख रही है आपको आपको पता है एल के नीचे रेड और ब्लू आना चाहिए मतलब डेफिनेटली आप एल को यहां पर रखोगे तभी तो नीचे दो आएंगे अब ब्लू ऑलरेडी आ चुका है तो रेड को भी नीचे ले लो ठीक इसके अलावा देखो दोस्तों एल के ऊपर आपको क्या मिनिमम टू चाहिए थे मिनिमम टू तो मिल गए कम से कम दो तो चाहिए ना भाई तीन भी हो सकते थे पर तीन पॉसिबल नहीं था तो मिनिमम दो हमने इसके ऊपर ले लिए एल भी सेट हो गया अब देखो क्या सेट करना है यहां पर अच्छा आगे बचा हुआ है एम हैज द मोस्ट नंबर ऑफ कार्स मैं वही सोच रहा हूँ क्यों लग रहा है एम हैज दोस्ट नंबर ऑफ कार्स मतलब एम के पास मोस्ट नंबर ऑफ कार्स सबसे ज्यादा कार्स है ठीक है तो एन के K के ऊपर एन होना चाहिए देखो जे यहां पर भी नहीं आएगा यहां पर भी नहीं आएगा तो जे यहां पर आएगा तो एन और के रखना है एन यहां पर के यहां पर ये यह हो गया अब बचा क्या है दोस्तों आपके पास यहां पर देखो एक कलर आ, कलर वाला बचा था एम में येलो नहीं होगा अगर एम में येलो नहीं है पर येलो के नीचे ब्राउन होना चाहिए तो यहां पर येलो और यहां पर ब्राउन हो जाएगा जो एक कलर बच गया कौन सा कलर बच गया ब्लैक बच गया शायद ब्लैक को रख देते हैं यहाँ पर इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व उम्मीद करता हूँ सभी का सेम आंसर आया होगा भगते जा रहे हैं यार, सब लोग धीरे धीरे गलत बात है ये गलत बात है भाई एकदम तो आप लोग क्लास ले रहे हैं क्लास में भी नहीं आते लोग एमजेएल के ब्लैक येलो ब्राउन ब्लू रेड ब्लैक येलो ब्राउन ब्लू रेड नेक्स्ट एक दो मिनट और दे देता हूं समय उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगा ये वाला जिसका जिसका हो गया था डन लिख दीजिएगा एक बार पता चलना चाहिए कितने लोगों का सॉल्व हो गया है उस हिसाब से मैं स्टार्ट करूंगा फिर चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं सबने सॉल्व कर लिया होगा तो बोल रहा है अलग अलग टाइप की बुक्स रखी गई है ठीक है मैक्सिम नंबर ऑफ बुक्स एंड इज प्लेस इन द मिडिल ऑफ द स्टैक तो देखो टोटल सात बॉक्सेस है तो हम यहां पर बना सकते हैं सात छ पांच चार तीन दो एक

तो एम जो होगा वो हाफ होगा एल से मतलब हम बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू टू एम भाई एम हाफ है तो उसको डबल कर दो बराबर हो जाएगा एल के डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स इन बॉक्स एन एंड जे इज टेन एन और जे का जो डिफरेंस होगा वो टेन का होगा एंड बोथ आर हैविंग अ प्राइम नंबर ऑफ बुक्स दोनों में प्राइम नंबर की बुक्स होंगी आगे आपको क्या बोल रहा है

60 वाला लेकिन कि इमिडिएट नहीं है पर यहां पर आ सकता है सिक्सटी वाला दोनों में से किसी एक जगह पे द नंबर ऑफ बुक्स इन जे इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बुक्स इन एन जे में ग्रेटर मतलब ज्यादा बुक्स हैं किससे एन से जे में एन से ज्यादा बुक्स हैं एन विच इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक एन जो होगा वो टॉप पे नहीं होगा तो यहां पर क्रॉस कर देते हैं अब दोस्तों सबसे पहले तो इसमें प्राइम नंबर देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं प्राइम नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं अच्छा एफ़ सेवेंटी एट होगा दोस्तों रुक जाओ एफ़ सेवनटी एट होगा हाइए सेवनटी एट मैंने सत्तर देख लिया था और ये सिक्सटी फिर यहाँ पर नहीं आएगा इसको हटा के मैं दूसरी कंडीशन बना लेता हूँ दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि सिक्सटी वाला जो है वो सत्तर वाले के ऊपर की तरफ है पर इमीडिएट ऊपर नहीं है अब देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं भाई हमको एक तो फोर्टी थ्री दिख रहा है हमको प्राइम नंबर एक फिफ्टी थ्री दिख रहा है हमको प्राइम नंबर बस दो ही प्राइम नंबर दिख रहे फोर्टी थ्री और फिफ्टी थ्री तो अगर बोल रहा है, जे के पास ज्यादा है तो फिफ्टी थ्री हो, हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो टेन है बिल्कुल कंडीशन सही है हमारी एल में डबल है बोल रहा है तो डबल देखो भाई किसका डबल दिख रहा है पैंतीस का डबल सत्तर दिख रहा है आपको सिर्फ ये वाली कंडीशन दिख रही है पैंतीस डबल सत्तर हम बोल सकते हैं ये अगर पैंतीस होगा एम तो उसका डबल करोगे तो सत्तर जो होगा वो एल बन जाएगा कैसे सॉल्व करें यार अब इसको जे का तो फिफ्टी थ्री है ये तो पता चल गया एन का फोर्टी थ्री है ये भी पता चल गया एम का थर्टी फाइव है ये भी पता चल गया तो दोनों मिलाकर कितना हो रहा है चालीस पचास साठ सत्तर सेवेंटी एट अगर टोटल मिलाकर सेवेंटी एट हो रहा है तो इनका भी सेवेंटी एट होना चाहिए सेवेंटी एट होने के लिए जी का पच्चीस हो जाएगा तभी सेवेंटी एट होगा ये सारे नंबर हमको मिल गए तो अगर जी का पच्चीस है तो जी यहां पर आ गया ठीक है बचा क्या है दोस्तों आपके पास ये चीज को देखिए भाई जी का पच्चीस हो गया एम का पैंतीस एन का तिरालीस जे का फिफ्टी थ्री ठीक है ये चार लोग मिल चुके हैं आपको एफ का 78 है पांच हो चुका है कौन कौन से नंबर बच रहे हैं सत्तर और सत्तर एल का हो गया ये देखो एल का सत्तर हो गया तो एक ही राम तो बच रहा है, के, के बस बच रहा है जिसका साठ हो सकता है बस के का हो और तो कुछ बचा ही नहीं है तो अगर के का साठ होगा तो के को आप कहां पर रख सकते हो भाई यहां पर के को नहीं रख सकते क्योंकि सत्तर के ऊपर होना चाहिए इमीडिएट ऊपर नहीं हो सकता मतलब के डेफिनेटली यहां पर रखना पड़ेगा आपको जे नीचे ही आएगा के यहां पर जे यहां पर क्योंकि के का जब आप साठ रखोगे तो वो सत्तर के ऊपर होना चाहिए एल सत्तर यहां पर आएगा एल सत्तर अब देखो सत्तर से ऊपर साठ दिख रहा है जे का कितना था फिफ्टी थ्री ठीक है एन जो है वो टॉप पे नहीं है मतलब एन यहां पर तो m यहां पर m 35 और एन हो जाएगा 43 क्वेश्चन सॉल्व एक बार चेक कर लीजिए सभी का सही बनाए एक बार जल्दी से चेक करके बताइए सभी का सही बनाए मेरे माइक की बैटरी जाने वाली है दोस्तों बैटरी जाएगी तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा नो साउंड नो साउंड लिख दीजिएगा एंड पे आ गई है बैटरी ठीक है चलो चेक करते हैं इसका आंसर बिल्कुल सही पैंतीस तिरालीस अठहत्तर तिरपन सत्तर पच्चीस ठीक है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए चार मिनट का समय आप लोगों के पास मैक्सिमम चार मिनट है ना हो गया है अगर तो ये वाले को बना लीजिए वो वाला पिछला वाला क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिया था सुबह प्री क्लास में तो इसको बना लीजिए नींद आने लगी है अच्छा बदाम सुन लीजिए विश्वजीत एक तारीख से फिर से उसमें स्टार्ट हो जाएगा रिज्यूम हो जाएगा इसकी पीडीएफ बैंकर्स वन जीरो पे मिल जाएगी एट द रेट जीरो एट द रेट इसको ज्वाइन कर लीजिएगा चलो बनाओ इसको पांच दस मिनट का ब्रेक ले लेते हैं जिनको भी थकान लग रही है थोड़ा ब्रेक ले लीजिए बनाना तो है ही है आज मैं कम से कम अभी दो चार पजल और करवाऊंगा थोड़ा दस मिनट ब्रेक दे देता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसको भी बनाइए एक साथ करते हैं दोनों को ठीक है या पहले करवा देता हूँ चलो इसी को कर लेते हैं करवा तो ही देता हूँ इसको पहले आवाज़ आ रही है ना मेरी एक बार बता दीजिए जल्दी से आवाज आ रही है चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहा हैं इलेवन पर्सन सीटिंग इन टू पैरल रोज कंटेनिंग सिक्स सीट्स इन सच अ दैट देर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंड सीट्स तो बोल रहा है ग्यारह लोग दो पैरल रो पे बैठते हैं इन रोवन एच जे एंड एन आर एम एन वो ऊपर वाली रो पर बैठे हैं, हैं की तरफ देख रहे एक दो तीन चार पांच जे के सभी नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं आगे क्या बोल रहे पी क्यू आर एस टी आर सीड एंड ऑल ऑफ आर फेसिंग नॉर्थ पी क्यू आर एस टी ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं ठीक है एक सीट वैकेंट होगी therefore in the given arrangement each member seated in a row faces another member of the other row one of the seat is uh, in one of the rows is vacant all the information is not necessarily in the same order तो so, हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई इसमें पांच लोग हैं मतलब यहाँ पर एक सीट वैकेंट होगी ठीक है अब और h is three year older than t h जो है वो तीन साल बड़ा है किससे t से h जो है वो तीन साल बड़ा है t से मतलब t plus three और क्या बोल रहे हैं आपको ध्यान से पढ़िए आर इज सोलह ईयर ओल्ड एंड इज सिटिंग ऑपोजिट टू दन इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ के तो के सेकंड टू लेफ्ट में जो भी होगा इसके ऑपोजिट अच्छा के का सेकंड टू लेफ्ट उस तरफ हो जाएगा क्योंकि के ऊपर बैठा है के का सेकंड टू लेफ्ट ये हो जाएगा इसके ऑपोजिट में आर बैठा है जो कि सोलह साल का है ऐसी बोला है फिर से पढ़ लो आर इज सोलह सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के हु इज हुन ईयर तो के से सेकंड टू लेफ्ट जो भी है उसके सामने आर बैठा हुआ है एस एंड दन इज इक्कीस ईयर ओल्ड एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो बट नॉट फेस इच अदर बोला एस एंड दन इज ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड एस और ट्वेंटी वन वाले ऐसे एंड पे बैठे हुए एंड पे डायगनल ऑपोजिट पे क्योंकि एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं मतलब डायगनल ऑपोजिट पे बैठे हुए हैं देर आर थ्री सीट्स बिटवीन क्यू एंड द दन हुईज सत्रह ईयर ओल्ड क्यू और सत्रह के बीच में तीन तीन गैप होंगे क्यू फेसेस एम एम क्यू जो है वो M को फेस कर रहा है ठीक है यहां पर बना लेते हैं एम उसके बाद क्या बोल रहा है एम हुई पच्चीस ईयर ओल्ड एम जो कि पच्चीस साल का है एन सीट सेकेंड टू राइट ऑफ एल एन जो है वो सेकेंड टू राइट में है एल से एन जो है वो एल से सेकेंड टू राइट में है ट्वेंटी ईयर ओल्ड एंड जो कि बीस साल का है फोर पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड आर बाईस इक्कीस सत्रह एंड पंद्रह ईयर ओल्ड फोर पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड तो एंड वाले जो होंगे बाईस इक्कीस सत्रह और पंद्रह के हैं तो बाईस इक्कीस सत्रह और पंद्रह ये सब एंड पर बैठे हुए हैं बाईस इक्कीस सत्रह पंद्रह एंड पर बैठे हुए हैं पीज ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड पी जो है वो ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड है लिख लेते हैं कहीं पर पी ट्वेंटी थ्री एंड इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू और ये थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है क्यू से तो पी ट्वेंटी थ्री को फिर से लिखते हैं कहां पर बैठा हुआ है थर्ड थर्ड टू टू लेफ्ट लेफ्ट ऑफ क्यू क्यू तो Q से में मतलब कहा दो यहां पर हो जाएगा पी जो कि कितने साल का है तेईस साल का है तो डेफिनेटली क्यू से तीन छोड़कर सत्रह इस तरफ तो हो नहीं सकता इसी तरफ होगा पी के जस्ट बगल में यहां पर हो जाएगा सत्रह ये अलग कंडीशन है ठीक है ना तो Q से तीन छोड़कर सत्रह इसी तरफ होगा डेफिनेटली उस तरफ नहीं हो सकता उसके बाद क्या बोल रहा है J does not face R डज नॉट फेस the वाइल सीट L जो है वो वैकेंट को फेस करता है ठीक है यहां पर बना लेते हैं L जो है ये वैकेंट को फेस कर रहा है और क्या बोला है आपको J डज नॉट फेस R. J जो है वो R को फेस नहीं करता तो यहां बना लेते हैं J यहां पर नहीं होगा इस वाली जगह पे J नहीं होगा थ्री पर्सन सीट बिटवीन इक्कीस ईयर ओल्ड एंड ओल्ड इक्कीस वाले के बीच में तीन लोग बैठते हैं तो इक्कीस एक दो तीन ये पर्सन है ठीक है और नाइनटीन वाले के बीच में तीन लोग बैठते हैं थ्री पर्सन सीट बिटवीन दोज ईयर ओल्ड एंड नाइनटीन ईयर ओल्ड द वन हु इज

तकान हो गई है काफी वे, वे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों हमको ये तो पता है कि भाई सत्रह वाला जो है वो एंड पर बैठता है और क्यू जो है वो नीचे वाली रो पर है ये तो हमको पता है और हमको ये भी पता है क्यू से लेफ्ट की तरफ में आएगा तो सत्रह यहां आएगा फिक्स कर दो ये देखो सत्रह के जस्ट बगल में ट्वेंटी थ्री वाला है तो यहां पर ट्वेंटी थ्री वाला आ जाएगा पी इस कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ था देर आर थ्री सीट बिटवी सत्रह तो एक दो तीन छोड़कर यहां पर क्यू आ जाएगा पी और क्यू वाली कंडीशन को भी पढ़ते हैं पी और क्यू वाली कंडीशन को पढ़ेंगे क्या बोल रहा है पी एस ट्वेंटी थ्री के बीच में होना चाहिए चलो ठीक है देखेंगे तो कंडीशन होगी क्यू के सामने एम पच्चीस क्यू के सामने एम पच्चीस इसके अलावा ये वाली पूरी कंडीशन हमारी हो गई और देखो आप क्या सेट कर सकते हैं इक्कीस उन्नीस दो, दोस्तों ये देखो इक्कीस और उन्नीस के बीच में तीन पर्सन बैठे हुए हैं तीन पर्सन इक्कीस और उन्नीस के बीच में तो हम यहां पर ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि भाई मान के चलते हैं लेट सपोज कि 21 जो है वो इस तरफ है तो एक दो तीन छोड़कर यहां उन्नीस वाला आ सकता है क्या नहीं आ सकता पॉसिबल ही नहीं है इक्कीस को यहां पर ले लो अब देखो एक दो तीन छोड़कर यहां पर उन्नीस वाला आ जाएगा आपको पता है 21 और एस जो है ऐसे डायगनल ऑपोजिट में बैठे हैं तो 21 यहां पर है तो यहां पर एस आ जाएगा ये वाली कंडीशन भी हो गई ये 21 19 वाला भी हो गया 19 जो है वो के है 19 जो है वो के है के से एक छोड़कर इधर पर जो भी पर्सन है वो आर को फेस कर रहा है आर सोलह अब दोस्तों अगर आपको पता है कि एंड में चार लोगों का आपको एज या नंबर जो भी है वो दिया हुआ है मतलब एंड पे तो वैकेंट हो नहीं सकता तो वैकेंट हो जाएगा यहां पर वैकेंट को फेस कौन कर रहा था ये देखो वैकेंट को फेस कर रहा है एल तो वैकेंट को फेस कर रहा है एल जिसकी एज है ट्वेंटी और इससे इस तरफ में होगा एन तो यहां पर आ गया एन ये वाली कंडीशन भी हो गई ये वाली कंडीशन भी हो गई आर सोलह है रख चुके आर के सामने अगर जे नहीं आ सकता तो जे आ जाएगा यहां पर बचा क्या है आपके पास देखो एच बचा हुआ था एच को रखेंगे यहां पर नीचे वाले में क्या बच गया पी क्यू आर एस टी यहां पर आ जाएगा टी अब देखो पंद्रह के जस्ट लेफ्ट में छब्बीस होना चाहिए मतलब दो स्पेसेस एक साथ खाली आपको सिर्फ यहां पर दिख रही है पंद्रह के जस्ट लेफ्ट में छब्बीस ये हो गया अगर T की वैल्यू पंद्रह है तो T में तीन ऐड करो पंद्रह में तीन ऐड करोगे तो अट्ठारह किसका हो जाएगा H का हो जाएगा H का हो गया 18। अच्छा एंड वाला देख लेते एक पंद्रह हो गया इक्कीस हो गया सत्रह हो गया तो बचा था बाईस तो ये बाईस आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका हंड्रेड परसेंट करेक्ट है ये एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग सेम बनाए हो कि नहीं बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो रहे हैं आज और क्लास में स्टूडेंट देखो तो दो सौ तैंतीस बड़ी शर्म की बात है यार इतने जबरदस्त वाले क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्लास में कोई आया ही नहीं और जब हलवा हलवा होते हैं तो आके लोग बोलते हैं सर अच्छा लेवल कराओ पी यो लेवल कराओ एन के एल एच एम जे एन के एल एच एम जे एस पी वैकेंट एस पी वैकेंट आर क्यू टी आर क्यू टी बिल्कुल सही है नंबर आप लोग चेक कर लीजिएगा सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से पांच मिनट का समय दे रहा हूँ क्या है यार अभी जवान हो आप लोग अभी मतलब मैं उनसे कहना चाहूँगा जो भी नहीं आए क्लास में इन केस बाद में अगर रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे होंगे तो अभी तो जवान हो यार आप लोग अगर अभी से ऐसा सोचोगे थक गए बस सर हो गया कैसे करोगे कंपटीशन बहुत ज्यादा है आप अगर नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा जैसे यहाँ अभी 240 लोग पढ़ रहे हैं इसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शुरू से लेकर अभी तक पढ़ रहे हैं सुबह से सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बहुत लोग होंगे लिख भी दो एक बार यस करके लिख दो एक बार जितने भी लोग हैं जो सुबह से नौ बजे से मैं क्लास ले रहा हूं तक लिया था फिर साढ़े दस से साढ़े ग्यारह फिर बारह से डेढ़ बारह से सवा एक फिर उसके बाद डेढ़ बजे से यहाँ तो पढ़ रहे हैं ना कुछ लोग ऑफिस फिर सिलेक्शन नहीं होता फिर बोलते हैं कुछ लोग की लेक्शन क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता खुद सोचो खुद देखो क्या कर रहे हो मेहनत हर कोई करता है पर सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है फल उसी को मिलता है अब यहां पर काफी लोगों को यह भी लगता होगा कि सर हम स्मार्ट वर्क करते हैं यह भी स्मार्ट वर्क ही है भाई ये भी स्मार्ट वर्क ही है हार्ड वर्क, वर्क जब तक करना नहीं सीखोगे स्मार्ट वर्क कुछ नहीं कर पाओगे चलिए बनाइए जल्दी से पांच मिनट का समय है हो गया सॉल्व चलिए स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहे सेवन परसेंट जेके ओ एंड पी अटेंड मैरिज इन डिफरेंट मंथ ऑफ जनवरी टू जुलाई बट नॉट ने इन द सेम ऑर्डर सात परसेंट है जनवरी से जुलाई तक ठीक है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तो ये सात महीने हो गए इसमें हो गया इकतीस अट्ठाइस इकतीस इकतीस तीस इकतीस ठीक है अब क्या बोल रहा है आपको सभी ईच वन ऑफ देम यूजेस डिफरेंट कलर कार सभी अलग अलग कलर की कार को यूज करते हैं तो क्या बोल रहा है यहां पर एल अटेंड द मैरिज नीदर इन जनवरी नॉर इन जुलाई एल जो है वो ना तो जनवरी में ना तो जुलाई में

आगे बोला के अ वाइट और येलो कार के जो है वो व्हाइट और येलो कार यूज नहीं करता तो के को इन दोनों जगह पे ऐसे क्रॉस कर देंगे आगे बोल रहा है ओ अटेंड द मैरिज बिफोर के ओ जो है वो के के पहले अटेंड करता है मैरिज यहां बना देते हैं के के पहले ओ अटेंड करता है मोर देन टू पर्सन अटेंड द मैरिज बिटवीन पी एंड द वन हु यूजेस ब्लैक कार मोर देन टू पर्सन अटेंड द मैरिज बिटवीन पी एंडक कार ब्लैक और पी वाले के बीच में दो से ज्यादा लोग है पी अटेंड द मैरिज बिफोर एल पी जो है वो L के पहले अटेंड करता है ब्लैक कार यूज नहीं करता है यहां पर क्रॉस कर देंगे N uses blue car. N जो है वो ब्लू कार यूज कर रहा है लेस देन टू परसन अटेंड द मैरिज बिट्वीन एन एंड एम लेस देन than... क्या मंथ डेट क्या मंथ डेट कुछ तो नहीं बोला है क्या बोल रहे एकदम लेस कहा था यार भुला दिए लेस देन टू पर्सन अटेंड द मैरिज बिटवीन एन एंड एम एन और एम के बीच में लेस देन टू पीपल हैं तो एन और एम के बीच में मैक्सिमम uh, एक हो सकता है मैक्सिमम एक क्योंकि लेस देन दो, दो से कम क्या होता है एक या जीरो के बीच में कितने लोग हैं? और के बीच में एक ही पर्सन है उसके बाद बोल रहा है जे डज नॉट अटेंड द मैरिज इन जुलाई जे जो है वो जुलाई में अटेंड नहीं करता क्रॉस कर देते हैं. जो है वो यूज नहीं करता यहां पर ऑरेंज नहीं यूज करता ठीक। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं भाई सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ बताओ ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि देखो के के नीचे दो ओ के ऊपर तीन ऐसा बना सकते हैं अगर कहीं भी इससे ऊपर आप के को लेकर जाते हो तो के से ऊपर ओ नहीं हो पाएगा गलत हो जाएगा एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है दूसरी एक और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि के को अगर यहां रखोगे तो ओ यहां हो जाएगा के को यहां रखोगे तो ओ यहां हो जाएगा तो ये मिनिमम वाली है इससे चेक करते हैं अब क्या बन रहा है के और ओ तो हमने रख दिया एल जो है वो बॉटम पे नहीं आना चाहिए अगर एल बॉटम पे नहीं आ रहा तो एल को यहां पर रख सकते हो उसके ऊपर पी रखना है पी रखना है ऊपर में तो पी को कहां रख सकते हैं भाई एम और एन के बीच में मैक्सिमम एक है अगर जे यहां नहीं आएगा तो जे तो ऊपर ही लेना पड़ेगा एम से एक छोड़कर वॉयलेट एल तीन छोड़, अच्छा एल से तीन छोड़कर येल्लो एल से एक दो तीन छोड़कर यहां पर हो गया येल्लो अब देखो येल्लो से तीन से ज्यादा छोड़कर व्हाइट होना चाहिए तो येल्लो से एक दो तीन चार छोड़कर यहां पर हो जाएगा व्हाइट ठीक है येलो व्हाइट वाला हो गया अब येलो व्हाइट दोनों में के नहीं आना चाहिए तो के तो वैसे भी नहीं है और क्या बच गया इसके बाद एल येलो पी ये सब कुछ हो चुका है से दो से ज्यादा छोड़कर ब्लैक होना चाहिए अगर पी को दोस्तों यहां पर रखते हो दो से ज्यादा मतलब तीन छोड़कर यहां पर ब्लैक तो आ नहीं सकता तो पी को ऊपर यहां येल्लो पे लेते हैं अगर पी को यहां येल्लो पे लोगे तो तीन छोड़कर यहां पर आप ब्लैक ले सकते हो पी को आप यहां यहां दोनों में से किसी भी एक जगह पे ले सकते हो ऊपर में इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे ले सकते हो यहां पर लेकर देखते हैं अगर पी को यहां लोगे तो पी से दो से ज्यादा ब्लैक मतलब तीन छोड़कर यहां पर हो गया ब्लैक अब क्या बचा एम और एन के बीच में मैक्सिमम एक है तो एम और एन के लिए सिर्फ यही वाली दो जगह दिख रही है एक नाम और कौन सा बच रहा है आपके पास जे जे बचा हुआ है ना तो जे तो एंड पे आ ही पाएगा गलत हो जाएगा ये ये तो गलत हो गया दोस्तों ये तो गलत है कैसे देखो अगर एन और एम को अब यहां पर रख लेते हो तो जे यहां आ जाएगा लास्ट में तो गलत हो गया पॉसिबल ही नहीं है मतलब इसको हटाना पड़ेगा ये ब्लैक को हटाते हैं ये येलो को हटाते हैं ये पी को हटाते हैं चेंज करते हैं इसको अब अब लेते हैं दोस्तों ओ को यहां पर और के को यहां पर के के नीचे एक तो ओ के ऊपर दो क्योंकि के से नीचे जितने भी हैं ओ के ऊपर एक ज्यादा होना चाहिए बोला है वाइट कहां से आ गया वाइट को भी तो इरेज करना पड़ेगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार ऐसे समय पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना एल का कुछ चेंज करने का बचा था क्या एक मिनट रुक जाओ। बोल रहे हैं कमेंट में मैं शायद एक पॉसिबिलिटी चेक नहीं किया देख लेता हूं क्या क्या रखा था मैं पहले ओ रखा था के रखा था उसके बाद फिर मैंने क्या किया था एल एल को मैंने यहां पर रखा था ऊपर की तरफ रखा था ना एल को यहाँ यहां ना रख के अगर मैं एल को यहाँ रख एल तो से येल्लो यहां पर हो जाएगा तीन छोड़कर येल्लो यहां पर हो जाएगा ठीक है येल्लो से तीन से ज्यादा छोड़कर वाइट तो एक दो तीन चार छोड़कर ये वाइट हो जाएगा के बाद फिर पी से दो से ज़्यादा छोड़कर ब्लैक होना चाहिए पी से दो से ज़्यादा छोड़कर ब्लैक होना चाहिए एम और एन को आप यहाँ पर ले सकते हो एम और एन को यहाँ पर ले सकते हैं एम से वॉयलेट एन और एम के बीच में मैक्म एक है ठीक है अगर एल ऊपर नहीं हो सकता एल पी से दो से ज़्यादा छोड़कर ब्लैक पी के वाइट नहीं है के अगर वाइट नहीं है तो के को रख देते हैं टॉप पे पी को रख देते हैं यहाँ पर तो के तो ऑलरेडी हो चुका है यार क्या बच गया के बचा हुआ पी से दो से ज्यादा छोड़कर ब्लैक तीन छोड़कर ब्लैक एन ब्लू होना चाहिए एन ब्लू नहीं आ पाएगा तो ये गलत हो जाएगा Quaro per racket. एल के ऊपर पी लेना है तो एल के ऊपर पी यहां पर लेंगे जे को यहां पर लेंगे ये हो सकता है एक बार चेक करके देखते हैं ये हो सकता है एल के ऊपर पी ये देखो एल से तीन छोड़कर येल्लो हमने रख दिया इसके बाद देखो दोस्तों येल्लो से व्हाइट के बीच में चार एक दो तीन चार ये व्हाइट हो गया पी में ठीक है एम से एक छोड़कर वॉयलेट लेना एम से एक छोड़कर ये हो गया वॉयलेट एन का कलर ब्लू था एन में ले लिए ब्लू अब क्या बचा कुछ बचा है क्या पी से दो से ज़्यादा छोड़कर ब्लैक होना चाहिए पी से दो से ज़्यादा छोड़कर यहाँ पर ब्लैक के में लेगे तो गलत हो जाएगा फिर गलत हो रहा है क्या गलत हो रहा है यार क्या गलत हो रहा है समझ नहीं आ रहा है दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो क्या गलत हो रहा है एक बार बताओ यार क्या हो रहा है क्या चेंज करना पड़ेगा होमवर्क दे दो नहीं सॉल्व तो मैं करूंगा दर्द हो रहे अब तो खड़े खड़े से दो ज़्यादा छोड़कर ब्लैक होना चाहिए ये वो को चेंज करना ही पड़ेगा मैं अच्छा खासा चेंज किया था यार फिर किसी ने बोल दिया कि नहीं सर नहीं करना है ए इसमें बना के देखते हैं आप एल के ऊपर पी लेना है मैं रुकेगा न बना के रहेगा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो क्या साउंड लिख रहे हो यार डरा देते हो महर कैसे कर दे रहे हो तो यार एर... वॉयलेट क्या हो गया यार समझ नहीं आ रहा है एक बॉटम लो क्वेश्चन तो गलत नहीं है क्वेश्चन तो गलत नहीं है वो में के बॉटम पे वो भी ट्राई कर लेते हैं चलो ठीक है आप यही बोल रहे हो और 10 क्वेश्चन है यार ये खोल दिया लस्सी पीना पड़ता हो गया सॉल्व कुछ गलत तो नहीं है देख लो भाई कुछ गलत तो नहीं है देख लो एक बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती इसलिए मेहनत करते रहिए बनेगा कैसे नहीं हो गया बस इतनी जल्दी थक गए साढ़े छह बजे फिर से क्लास है फजल की मेंस लेवल लग रहा था नहीं मेंस लेवल नहीं था ट्रिकी क्वेश्चन था ये ये क्वेश्चन ट्रिकी था एकदम ज्यादा ट्रिकी पीओ एन एम एल जेके पीओ एन एम एल जेके बिल्कुल सही है छोटा सा क्वेश्चन दस मिनट में ख़... दस पंद्रह पीस पंद्रह बीस मिनट और झेल लो थोड़ा सा तीन घंटे हो जाए तो चलो छोड़ो नहीं बनाना तो मत बनाओ नहीं बनाना तो मत बनाओ जा सकते हैं जिनको जाना है छुट्टी कर दी है उनके लिए बनाना है खत्म कर देते हैं यार ये तो भाग जाएंगे फिर लोग कल से आने ही बंद कर देंगे बोलेंगे सर अब मैं आऊँगा ही नहीं अब तो हम आएंगे ही नहीं आते हैं तो आप जाने नहीं देते हो तो ये लास्ट बना लो बस फिर ख़त्म करते हैं घर वाले भी परेशान हो जाएंगे बोले कौन से सर हैं यार दिन भर क्लास लेते रहते हैं इनको खाना वाना नहीं खाना रहता है क्या इनके पास और कोई काम वाम नहीं है क्या सर को चैन नहीं है क्या जब देखो क्लास लेते रहते हैं अच्छी बोलते हैं क्या कोई किसी घर में बोलते हैं क्या ऐसा चलो डन के मैसेज आ रहे हैं स्टार्ट कर देते हैं देखो क्या बोल रहे हैं बट दो बॉक्सेस रखे गए हैं बी विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउट जी बी जो की जी e के इमीडिएट ऊपर रखा गया है एल इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउ एच एल इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउ एच जस्ट ऊपर है एच e uh, से और के बीच में दो बॉक्सेस दोस्ड बिटवीन सी एंड सी ए सी के ऊपर रखा गया है तो ऐसा बना लेते हैं सी से एक दो तीन चार ए हो गया इसको हटा देते हैं चलो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें भी पॉसिबिलिटी बनेगी तो बना लेते हैं देखो सी से एक दो तीन चार छोड़कर ए हो गया सी से एक दो तीन चार छोड़कर ए हो गया अब सी से दो छोड़कर बी आपको पता है और उसके नीचे जी है तो सी से दो छोड़कर बी उसके नीचे जी सी से दो छोड़कर बी उसके नीचे जी दो पॉसिबिलिटी बनती है ठीक है उसके बाद देखो जी से दो छोड़कर एम रखना है जी से दो छोड़कर यहां पर एम हो जाएगा इधर जी से ऊपर एम नहीं हो सकता तो दो छोड़कर यहां पर एम हो जाएगा ये कंडीशन भी हो गई ये कंडीशन भी हो गई ये कंडीशन भी हो गई m से तीन छोड़कर d होना चाहिए तो m से एक दो तीन छोड़कर यहां पर d हो गया m से तीन छोड़कर यहां d नहीं हो सकता तो एक दो तीन छोड़कर यहां पर d हो गया l और h दोनों साथ में आने चाहिए तो ये वाली जगह पे l और h के लिए ये वाली जगह दिख रही है l और h अब p के ऊपर e रखना था तो p को यहां पर रख दो e को यहां पर रख दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया दूसरे वाले में ग्यारह बॉक्स हो गए हैं तो वो गलत होगा एल एच सी एम एल एच सी एम पी बी जी पी बी जी बिल्कुल सही चलिए पहला क्वेश्चन तीन से चार मिनट का समय है दोस्तों जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिए उम्मीद करता हूं दोस्तों सॉल्व हो गया होगा बाय मिस्टेक पार, पार्ट थ्री में लाइव हो गया दोस्तों वहां जाके लोगों को बता दूं कि <laughs> यहां पर लाइव हो गया है

तो सबसे पहले तो छह लोगों का अरेंजमेंट बनाते हैं यहां पर एक दो तीन चार पांच और ये दो बोला पर्सन ओ इज इमीडिएट ऑफ हैविंग तो ओ जो है वो किसके इमीडिएट में है जिसके पास भी पाइन एपल है तो यहां पर पाइन लिख देते हैं पाइन एपल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है देर आर टू पर्सन बिटवीन वन हैविंग पपाया फ्रूट एंड वन हैविंग एप्पल फ्रूट पपाया और एप्पल वाले के बीच में दो पर्सन है उसके बाद बोल रहा है पी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के पी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है के से आफ्टर फाइनल रीअरेंजमेंट एल इंटरचेंज हिज फ्रूट विदर्सन इज सेकेंड फ्रॉम द राइट बोल रहा है कि एल अपना फ्रूट उस बंदे के साथ इंटरचेंज करेगा जो सेकेंड फ्रॉम द राइट है ठीक है तो इस लाइन को बाद में देखेंगे उसके बाद क्या बोल रहा है वन हैविंग गुआवा इज सेकंड टू राइट ऑफ पी एंड देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन के एंड एन तो बोल रहे हैं के और एन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है एन हैविंग ग्रेप्स एन के पास ग्रेप्स है ठीक है और क्या बोला है आपको वन हैविंग गुआवा इज सेकंड टू राइट ऑफ पी वो पी के सेकंड टू राइट में है जिसके पास भी गुआवा है आगे बोल रहा है ओ इज इमीडिएट Of K. O जो है वो के अगल-बगल में होगा या तो यहाँ या तो यहाँ आफ्टर इमीडिएट ऑफ पपाया जिसके पास गुआवा फ्रूट है वो पपाया का नेबर है तो यहां पर लिख देते हैं गुआवा अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों ये ओ है ठीक है इसको फिर से लिख देता हूं अब क्या कर सकते हैं कहां से स्टार्ट कर सकते हैं सोचते हैं थोड़ा देखिए मान के चलते हैं कि दोस्तों के जो है हमको पता है कि ओ से दो छोड़कर एल लेना है ठीक है तो अगर मान के चलते हैं पी इस एंड पे होगा ऐसा तो दो छोड़कर के यहां पर होगा ऐसा अब ओ से दो छोड़कर एल है तो अगर ओ यहां पर होगा तो दो छोड़कर एल यहां पर हो जाएगा के से एक छोड़कर एन रखना है तो एन यहां पर नहीं हो सकता एन यहां पर हो जाएगा बचा क्या है दोस्तों आप लोगों के पास एक ही चीज बची है क्या बचा एम ठीक है क्या ये सही है एक बार चेक करके बताइए कुछ और बन सकता था क्या इसके अलावा काफी लोगों को लग रहा होगा कि सर इधर ही क्यों लिए देख के हो आंसर सच तो सच बता दो झूठ मत बोलना सर आंसर देख के हो ना नहीं मम्मी का नहीं देख के आया दूसरा दूसरा भी चेक करते भाई पी से दो छोड़ कर के अगर पी को यहां पर रखेंगे दो छोड़ कर के रखेंगे तो क्या होगा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों के के बगल में ओ आप ऐसी जगह पे रखना है जिससे कि एल mm. आप सेट कर सको से अगर ओ को आप यहां पर रखते हो तो दो छोड़कर mm. एल यहां पर आ जाएगा फिर के से आप एम नहीं रख पाओगे एन नहीं रख पाओगे ये गलत हो जाएगा ठीक है अब अगर ओ को इस तरफ रखते हैं अगर ओ को इस तरफ रखते हो तो यहां पर एल हो जाएगा से के से एक छोड़कर एन रखना था के से एक छोड़कर एन यहां पर आ जाएगा एम यहां पर आ जाएगा अब बोलो ये भी तो सही है जल्दी बताओ कौन सा सही है नीचे वाला ऊपर वाला अच्छा एक और बनाते हैं चलो एक दो तीन चार पांच ठीक है अब बोलो भाई पी को सर अगर और सरका दे यहां पर ऐसे तो पी से दो छोड़कर के मतलब के यहां पर अब के के बगल में ओ रखोगे तो ओ यहां पर ओ से दो छोड़कर एल रखोगे तो एल यहां पर के से एक छोड़कर एन रखोगे तो एन यहां पर एम यहां पर अब बोलो ये भी सही है बोलो तारा रारा बताओ कौन सा सही है जल्दी बताओ जल्दी बताओ चलो अब एक काम करते हैं दोस्तों ये तो सेट हो गया हमको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या सही होगा तो अब क्या करेंगे फ्रूट्स को सेट करेंगे फ्रूट्स से ही पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है पी से एक छोड़कर गुआवा मतलब गुआवा यहां पर आएगा पी से एक छोड़कर गुआवा मतलब कि गुआवा यहां पर आएगा पी से एक छोड़कर गुआवा मतलब कि गुआवा यहां पर आएगा ठीक है ऐसे बोला है राइट साइड ये कंडीशन हो गई अब देखो ओ के बगल में आपको क्या बोल रहा है ओ के बगल में पाइन रखना है और एन को ग्रेप्स पसंद है तो एन पे ग्रेप्स रख देते हैं इधर एन पे ग्रेप्स रख देते हैं इधर एन पे ग्रेप्स रख देते हैं ठीक है थीक? अब देखो ओ के बगल में पाइन तो ओ के इधर पाइन नहीं आ सकता यहां पर हो गया पाइन एपल ओके इधर हो जाएगा पाइनएप्पल ओके okay, इधर हो जाएगा पाइन एप्पल पपाया से दो छोड़कर एप्पल आपको रखना है पपाया से दो छोड़कर एप्पल नीचे वाले में कहीं पर भी आप नहीं रख सकते गलत हो जाएगा नीचे वाले में कहीं पर भी आप पपाया से दो छोड़कर एप्पल नहीं रख पाओगे नीचे वाली कंडीशन गलत हो जाएगी इस वाले में देखो गुआवा के बगल में पपाया आप नहीं रख पा रहे हो तो यह भी गलत हो जाएगा इस वाले में भी गुआवा के बगल में आप पपाया नहीं रख पा रहे हो यह भी गलत हो जाएगा आप बोलो तारा रारा गुआवा पपाया के नेबर में है क्या गलत है जल्दी बताओ क्या है दोस्तों कौन सा सही होगा जल्दी बताओ मुझे काफी अच्छा सवाल है और इसका आंसर है इसका आंसर है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन का आंसर सही है बताओ जल्दी बताओ क्या होगा सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों कुछ तो होगा अगर चलो ठीक है मान लेते हैं क्वेश्चन में कुछ एक आध मिस्टेक भी होगी देखते हैं पहले दिमाग लगाओ थोड़ा सा क्या हो सकता है सोचो पी एल एम के ओ एन पी एल एम के ओ एन पी एल एम के ओ एन अच्छा ठीक है देख लेते हैं काफी लोगों ने सही दिया है आंसर शायद मेरे ख्याल से एक बार बना के देखते हैं इस वाले में दोस्तों हमने पी से के को लिया था ओ को इधर हमने लिया था इस तरफ लेकर देखते हैं ठीक है पी से दो छोड़कर हमको लेना था ये देखो के लेना था यहां पर के अलग कलर से लेते हैं रुक जाओ के, अब के, के इस तरफ अगर ओ रखेंगे ठीक है तो ओ से दो छोड़कर एल के से एक छोड़कर एन और यहां पर हो जाएगा एम काफी लोग लिख रहे हैं आकृति जी इससे पहले और भी किसी ने लिखा है ठीक है अब देखो दोस्तों इसको चेक करते हैं ठीक है क्या बोल रहा है पी से सेकंड टू राइट में गुआवा है पी से सेकंड टू राइट में गुआवा है ठीक उसके बाद क्या बोला है दोस्तों आप लोगों को देखो गुआवा के बगल में पपाया पपाया से दो छोड़कर एप्पल तो गुआवा के बगल में अगर आप पपाया यहां पर रखते हो पहले तो एन पे ग्रेप्स रख देते हैं एन कहा अब अगर ये ग्रेप्स हो गया तो आपको क्या पता है कि ओ के बगल में पाइन होना चाहिए इधर पाइन हो नहीं सकता पाइन एप्पल यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब क्या करोगे देखो गुआवा के बगल में पपाया रखना है यहां पर पपाया नहीं हो सकता पपाया सिर्फ यहां पर आएगा पपाया से दो छोड़कर एप्पल चाहिए यहां पर एप्पल आ जाएगा एक फ्रूट का नाम क्या बज गया जल्दी से बता दो ऑरेंज था ना ठीक हो गया बोलो रहा क्वेश्चन बहुत धमाकेदार था छोटा पैकेट बड़ा धमाका मजेदार क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बना बना फंस जाओगे इस टाइप का क्वेश्चन है सिर्फ छह लोगों का अरेंजमेंट है ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं इसलिए मुझे पता था इसका आंसर आएगा क्वेश्चन गलत नहीं है जिसने भी बना लिया था बहुत बहुत बढ़िया भाई आप सभी को बधाई हो कॉन्ग्रेचुलेश चलते हैं आगे इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं अच्छा इसमें ना अरेंजमेंट के बाद जो चेंजेस होंगे तो वो आप कर सकते हो देख के उसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है वो चीज जैसे आपको यहां पर क्या बोला है? एल इंटरचेंजेस फ्रूट विद वन ऑफ वन ऑफ द पर्सन हु इज सेकेंड फ्रॉम राइट तो सेकंड फ्रॉम राइट जो भी है उसके साथ एल अपना फ्रूट को चेंज करता है मतलब पपाया इधर चला जाएगा एप्पल इधर आ जाएगा ठीक है और ये लास्ट में भी कुछ चेंजेस बताया है, तो पहले देख लेते हैं यहां पर पी एल एम के ओ एन पी एल एम के ओ एन ऑरेंज पपाया गुआवा तो यहां पर चेंजेस करके लिखा हुआ है तो चेंजेस कर लेते हैं चलो चेंजेस के लिए क्या बोला है दोस्तों एल इंटरचेंज हिज फ्रूट विद द वन ऑफ द पर्सन इज सेकंड फ्रॉम द राइट मतलब एल जो है पपाया इसके साथ इंटरचेंज करेगा तो एप्पल यहां पर आ जाएगा और पपाया यहां पर चला जाएगा ठीक है इसके बाद देखो यहां लास्ट में क्या बोला है ओ इज इमीडिएट आफ्टर आफ्टर फाइनल रीअरेंजमेंट के इंटरचेंज इज फ्रूट विथ एन के जो है वो एन के साथ अपना फ्रूट इंटरचेंज करेगा आफ्टर दैट एन इंटरचेंज फ्रूट पी तो के जो है वो पहले एन के साथ चेंज करेगा मतलब ये यह ग्रेप्स यहां पर आ जाएगा ये पाइन एपल यहां चला जाएगा अब उसके बाद बोल रहा है पाइन एपल जो है वो पी के साथ चेंज करेगा ठीक है हाँ तो पी के साथ चेंज करेगा तो यहां पर पाइनएपल आ जाएगा और यहां पर यह ऑरेंज चला जाएगा लास्ट में तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बनेगा पाइन एप्पल गुआवा एप्पल गुआवा ग्रेप्स पपाया ऑरेंज ग्रेप्स पपाया ऑरेंज बिल्कुल सही है उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिए होगे ठीक है चलो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तीन मिनट का समय है क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए लेकिन हो सकता है ट्रिकी हो सर पार्ट टू कहाँ मिलेगा इन्ना जी पार्ट टू में ही आज क्लास होनी थी गलती से मैंने पार्ट थ्री पे लाइव कर दिया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा ये पार्ट टू ही है इसका नाम वगैरह चेंज हो जाएगा शाम तक कल होगा पार्ट थ्री चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं स्टार्ट करते हैं दोस्तों पूरा सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग द साउथ डायरेक्शन साउथ को हम नॉर्थ मान के चलेंगे दोस्तों साउथ लेने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहां पर पूरा एक लाइन हम बना लेते हैं अब उसके बाद क्या बोल रहा है टू पीपल सीट बिटवीन पी एंड एक्स पी और एक्स के बीच में दो लोग बैठते हैं उसके बाद बोल रहा है फाइव पीपल सीट बिटवीन एच एंड एक्स एच और एक्स के बीच में टोटल पांच लोग बैठते हैं उसके बाद बोल रहा है सिक्स पीपल सीट बिटवीन एच एंड जे एच और जे के बीच में छह लोग बैठते हैं उसके बाद बोल रहा है सिक्स पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एन एन के राइट right में कितने लोग बैठे हैं छह लोग बैठे हैं तो एक दो तीन चार पांच छ यहां पर हो जाएगा एन उसके बाद बोल रहा है सेवन पीपल सीट बिटवीन ई एंड पी ई और पी के बीच में सात लोग बैठते हैं ई e और पी के बीच में टोटल सात लोग बैठे हैं एट लीस्ट फाइव पीपल सिट बिटवीन एक्स एंड जे एक्स और जे के बीच में कम से कम एक्स और जे के बीच में कम से कम एटलीस्ट फाइव पीपल बैठे हैं तो दोस्तों ये वाली कंडीशन हमारी फिक्स हो जाएगी आप देखो अगर एच से छोड़कर जे है तो एच से ये छो तीन तीन छोड़कर जे को आप यहां पर नहीं ले सकते दूसरी तरफ ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स और जे के बीच में कम से कम पांच लोग बैठे हैं ऐसा बोल रहा है अगर आप यहां से ऐसे ले लोगे ना छ काउंट करके एच से इस तरफ अगर आप काउंट करके जे को ले लोगे तो वो एक्स के जस्ट बगल में आ जाएगा उनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं हो पाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है ठीक है इसीलिए इससे इस, इस तरफ लिख लेते एक दो तीन चार पांच छह और यहां पर हो गया जे ये आपकी कंडीशन बनेगी अब बोल रहा है मोस्ट ट्वेंटी पीपल सिट इन दिस अरेंजमेंट मतलब मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम ट्वेंटी हो सकते हैं इससे ज्यादा नहीं हो सकते एटलीस्ट टू पीपल सिट बिटवीन एन एंड जे कम से कम एन और जे के बीच में दो लोग तो बैठते ही हैं तो एन और जे मतलब ये जे जो है वो इस तरफ आएगा ये मतलब पूरा इसको आप ऐसे पलट दीजिए पूरा इसको आप ऐसे पलट दीजिए जे उस तरफ चला जाएगा एक्स इस तरफ आ जाएगा ठीक है और क्या बोला एटलीस्ट टू पीपल बिटवीन एन एंड जे मिनिमम एन और जे के बीच में दो लोग तो होने ही चाहिए आगे आपको बोल रहा है थ्री पीपल हिट बिटवीन वी एंड एन वी और एन के बीच में तीन लोग बैठते हैं एक दो तीन ये हो गया अब दोस्तों सबसे पहले तो देखो ट्वेंटी लोग बोला है आपको तो ट्वेंटी पहले बना लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम ट्वेंटी बोला है आपको पूरे ट्वेंटी पहले बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस तो ये हमने पूरा बीस लोगों को बना लिया अब जितना कम करना है वो बाद में कर देंगे कम अब क्या करना है दोस्तों देखो एन यहां पर है एक बार ऊपर में भी एन को बना लेते हैं दो पॉसिबिलिटी लेके इसको सॉल्व करेंगे एन से तीन छोड़कर वी आपको लेना है वी से रिलेटेड कोई चीज है ही नहीं तो वी को छोड़ दो इसको देखते हैं एन से मिनिमम दो परसेंट छोड़कर जे होना चाहिए मिनिमम एन से दो परसेंट छोड़कर जे होना चाहिए अगर मैं मिनिमम और के मतलब लेना पड़ेगा फिर से इसको इरेज कर देते मिनिमम जे ले तो अगर मैं यहां पर लेता हूं दो छोड़कर ये देखो मिनिमम दो बोला है तो मिनिमम पहले लेंगे दो को दो ले लिया हमने अब देखो जैस जैसे एक दो तीन चार पांच छह यहां पर एच हो गया एच से पांच छोड़कर एक्स तो एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां पर हो जाएगा एक्स ये पॉसिबल है बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है अब देखो आपको पता है वी और एन के बीच में कितने लोग हैं तीन लोग हैं तो अगर वी और एन के बीच में तीन लोग हैं तो वी और एन के बीच में तीन कैसे बना सकते हो ये देखो एन से तीन छोड़कर यहां पर तो वी हो नहीं सकता एन से तीन छोड़कर यहां पर वी हो जाएगा ठीक कुछ कंडीशन छूटी है क्या दोस्तों फोर पीपल सिट बिटवीन वी एंड जे वी और जे के बीच में चार पर्सन बैठते हैं तो अगर वी और जे के बीच में चार पर्सन बैठते हैं तो ये तो कंडीशन गलत हो रही है वी और जे के बीच में चार लोग बैठते हैं वी एक दो तीन चार जे ऐसी बोला है ना फिर से देख लेते हैं फोर पीपल हिट बिटवीन वी एंड जे ये तो गलत हो गया फिर आप कैसे करेंगे सोचो V और J के बीच में चार लोग कब हो सकते हैं जब J को उस पार लेंगे और मिनिमम दो होने चाहिए थे तो तीन कर देते हैं इसको अगर दोस्तों ये मिनिमम दो से और इधर की तरफ करें हम J को मान लेते हैं कि J यहां पर है ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो J से एक दो तीन चार पांच छह छोड़कर H हो जाएगा ठीक है पर ये भी गलत होगा क्योंकि एन से वी आप रखोगे तो तीन छोड़कर वी रखना था गलत हो जाएगा और उधर करके देखते हैं इस जे को और आखिरी में लेकर जाते हैं अब क्या हो जाएगा एन से तीन छोड़कर अगर लेना है हमको वी से जे तो यार हो ही नहीं सकता कैसे हो रहा है ये फोर पीपल इट बिटवीन वी एंड जे एग्जैक्ट फोर होने चाहिए ना एक दो तीन चार यहां पर वी हो गया तो वी और एन के बीच में फिर तीन कैसे होंगे कैसे होगा किसी का सॉल्व हुआ है क्या लीस्ट टू पीपल सेट बिटवीन एन एंड जे एन और जे के बीच में अच्छा ठीक है दोस्तों ये जे को इसी तरफ ले सकते थे हम आपको क्या बोला है इसमें कि कम से कम दो लोग होने चाहिए बोला है ना एक मिनट रुको इसी वाली कंडीशन को देखते हैं आपको ये चीज बोला गया था कि मिनिमम एन और जे के बीच में दो लोग होने चाहिए तो जरूरी तो नहीं है ना कि जे उसी तरफ होगा ये जे को हम इस तरफ भी तो ले सकते थे तो जे को इस तरफ लेने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों आप कितनी भी दूरी पर ले सकते हो जे को पर इतनी दूरी पर हम लेंगे जे जे को कि जे, वी और एन, जो है वो हो जाए। जैसे एन से अगर मैं तीन छोड़कर यहां पर वी को लेता हूं एन से तीन छोड़कर वी को अगर मैं यहां पर लेता हूं तो वी से चार छोड़कर जे लेना है तो वी से एक दो तीन चार छोड़कर यहां पर हो जाएगा जे अब बनेगा सही आंसर ठीक है अब ये देखो वी और जे हो गया अब जे से देखो छोड़कर एच चाहिए तो जे से एक दो तीन चार पांच छोड़कर ये एच हो गया और एच से पांच छोड़कर एक्स तो एच से एक दो तीन चार पांच छोड़कर ये एक्स हो गया ये आपका बनेगा अरेंजमेंट ई e और पी के बीच में सात लोग हैं पी और एक्स के बीच में दो लोग हैं तो एक्स से देखो एक्स से दो छोड़कर यहां पर पी हो जाएगा पी से ई सात पर्सन तो एक दो तीन चार पांच छह सात यहां पर हो जाएगा ई e. ये आपका अरेंजमेंट बनेगा इतने लोग हैं टोटल काउंट करो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह टोटल सोलह पर्सन आएंगे बढ़िया पजल था एकदम मजेदार उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा सभी का चेक कर लेते जे वी एच एन पी एक्स जे ई -E वी एच एन पी एक्स बिल्कुल सही है हमने नॉर्थ लेकर बनाया है इसलिए उस तरफ से हमको दिख रहा है ठीक है उसको पूरा ऐसे पलट देना है पेज को अपने ऐसे टर्न कर दीजिएगा तो सेम आपको ये आंसर दिख जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए तीन से चार मिनट का समय है आप लोगों के पास अंजू जी बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल भी आप देख सकते हैं उसमें आपको बहुत से मेरे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे उसमें एक हज़ार से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है बैंकिंग क्रॉनिकल में बाकी यहां तो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें चलिए काफी लोगों का डन का मैसेज आ रहा है तो उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा स्टार्ट करते हैं देखो क्या बोल रहा है ट्वेल्व पीपल आर सिटी गाउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बारह लोग बैठे हैं बारह लोगों में दोस्तों सबसे पहले तो ये बताइए कि बीच में कितने लोग होंगे अगर हम थ्रेड में बनाते हैं तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फिर से बनाते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पांच लोग होंगे चलो बिल्कुल सही ओके तो आगे बोल रहा है यहां पर ट्वेल्व पीपल आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बी सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ यू बी जो है वो फोर्थ टू राइट में है यू से पहला दूसरा तीसरा यहां पर हो गया बी फोर्थ टू राइट पहला दूसरा तीसरा चौथा फोर्थ टू राइट हो गया थ्री पीपल आर सिटिंग बिटवीन टी एंड बी टी और बी के बीच में तीन लोग बैठते हैं तो दोस्तों बी से तीन छोड़कर यहां तो टी को रख नहीं सकते तो इसी तरफ रखना पड़ेगा ऐसे आगे बोल रहे टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड टी डी और टी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं बी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स बी एंड डी आर नॉट इमीडिएट से दो छोड़कर आप यहां पर तो रख नहीं सकते पॉसिबल नहीं है तो T से दूसरी तरफ रखना पड़ेगा एक दो छोड़कर यहां पर D को रख दो अब इसको यहां पर सेट कर देते हैं कहीं पर भी सेट कर सकते हो आपकी मर्जी U को यहां रखो यहां रखो यहां रखो यहां 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 कहीं पर भी रखो तो U को मैं इधर कोने में ले लेता हूं ऐसा ऊपर का डायरेक्शन दे दिए सबका ऊपर का, का डायरेक्शन है तीन छोड़कर बी तीन छोड़कर बी तीन छोड़कर टी तीन छोड़कर टी दो छोड़कर डी दो छोड़कर डी अब आगे क्या बोल रहे सी एंड डी आर इमीडिएट ने अगर सी और डी इमीडिएट नेबर है तो डी का नेबर सिर्फ यही दिख रहा है क्योंकि उस तरफ कुछ नहीं मतलब ये वाला जगह इस पर आर सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ सी आर जो है वो फोर्थ टू लेफ्ट में बैठा है सी से तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पर बैठा है आर जेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर जेड जो है वो आर का इमीडिएट नेबर है मतलब यहां पर या फिर यहां पर हो सकता है Sits opposite to w, और वो w के opposite बैठा है मतलब बीच में पांच पांच चाहिए तो Z से बंदे छोड़कर देखो अगर मैं को लेता तो तो छोड़कर है ही पाएगा इसलिए को आप यहां पर, नहीं रख सकते, यहीं पर रखना पड़ेगा डब्ल्यू ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन है तो डब्ल्यू से इस तरफ एक पर्सन छोड़कर देखोगे तो डी बैठा हुआ है इसीलिए एक पर्सन छोड़कर यहां पर F को सेट कर दो एटमोस्ट वन परसन सीट बिटवीन K एंड D, K और D के बीच में एट मोस्ट मैक्सिमम एक पर्सन बैठता है तो K और D के बीच में मैक्सिमम एक पर्सन बैठता है तो K सिर्फ यहीं पर आ सकता है क्योंकि मैक्सिमम एक पर्सन है उनके बीच में M सीट थर्ड टू राइट ऑफ A, M जो है वो थर्ड टू राइट में है A से तो यहां पर A हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर M हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व हलवा क्वेश्चन डायरेक्ट सेट था पूरा चेक करते हैं दोस्तों इसको किसी भी एक जगह यू से स्टार्ट कर लेते हैं यू डब्ल्यू यू डब्ल्यू ए एफ बी यू डब्ल्यू ए एफ बी एम आर जेड के एम आर जेड के सी डी सी डी बिल्कुल सही है चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तीन से चार मिनट का समय है जल्दी से बनाने की कोशिश करिए चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों सॉल्व हो गया होगा सभी का स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहे ट्वेल्व पीपल आर सिटिंग इन टू पैरल रोज कंटेनिंग सिक्स पीपल ईच दो रो में बारह लोग बैठे हैं और छह लोग ऊपर नीचे बैठे हुए हैं एक दो तीन चार पांच छ अब क्या बोल रहा है यहां पर ए सीई जी एच जे आर सीटेड फेसिंग साउथ ए सी ई जी एच जे ये सभी साउथ की तरफ फेस करते हैं आर एस टी क्यू आर एस टी क्यू यू वी ऊपर की तरफ फेस करते हैं इसके बाद क्या बोल रहा है? सी सीट थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम ई एंड नन ऑफ देम सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड सी जो है वो तीन प्लेसेस अवे है ई e से मतलब बीच में दो लोग होंगे तो सी और ई e सबसे पहले तो देखो है कहां पर ऊपर वाली रो में आपको बोल रहा है सी तीन प्लेसेस अवे है ई e से नन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड मतलब हमको ये तो कंफर्म हो गया सी और ई e में एक यहां होगा एक यहां होगा क्योंकि दो प्लेसेस अवे है सॉरी तीन प्लेसेस अवे है बीच में दो लोग आते हैं यू सिट्स सीट ऑपोजिट टू ए यू जो है वो डायग्नल ऑपोजिट टू ए है अब ए ऊपर वाली रो में है तो ऐस, ऐसा कर लो ठीक है आगे बोल रहा है ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एंड इज नॉट अ नेबर ऑफ ई और वो ई e का नेबर नहीं है ठीक है ये ई e का नेबर नहीं है आगे बोल बोल रहा रहा है, वो four places away है है है, जो जो वो से मतलब तीन छोड़कर होगा। इसके बाद e, कि e के opposite में नहीं बैठता। राइट ऑफ आर द वन ऑपोजिट टू जी जो भी जी के ऑपोजिट में बैठा हुआ है इज सेकेंड टू राइट ऑफ आर वो आर के सेकेंड टू राइट में है ठीक है आगे एच सिट से फेस नहीं कर रहा उसके बाद बोल रहा है क्यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी क्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है टी से बट डज नॉट फेस जे लेकिन जे को फेस नहीं करता अब देखो दोस्तों इसमें किसी ना किसी एक जगह पे आपको फिक्स करना पड़ेगा तो चलो मान लेते हैं कि सी जो है वो इस तरफ है ऐसा मान लेते हैं हम सी यहां पर ई e यहां पर तो आपको बोला ए जो है ई e का नेबर नहीं है मतलब कि ए यहां पर आ जाएगा एंड पे अगर ये डायगनल ऑपोजिट है यू के तो यू आ जाएगा यहां पर यू से तीन छोड़कर वी लेना है तो यू से तीन छोड़कर वी आ जाएगा यहां पर इसके अलावा देखो कौन सी कंडीशन हो गई ये पूरी कंडीशन हो गई अब क्या बचा दोस्तों हमारे पास देखो हमारे पास बचा है आर से एक छोड़कर जो पर्सन है वो जी को फेस करता है आर को यहां रखोगे एक पर्सन छोड़कर जो पर्सन है वो जी को फेस करता है आर यहां आ नहीं सकता आर यहां रखोगे तो एक पर्सन छोड़कर ये पर्सन के सामने जी नहीं आ सकता आर यहां रखोगे तो जी यहां पर आएगा दो पॉसिबिलिटी बन रही है ठीक है इसके अलावा दोस्तों और कौन सी कंडीशन दिख रही है हमको देखो टी के जस्ट लेफ्ट में क्यू होना चाहिए के जस्ट लेफ्ट में क्यू होना चाहिए जे से एक छोड़कर एच होना चाहिए काफी अच्छा क्वेश्चन देखो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कुछ ना कुछ मान के चलते हैं जैसे मान लेते हैं कि जे के सेकंड टू राइट में एच हमको रखना है ठीक है जे के सेकंड टू राइट अच्छा ये तो डायरेक्ट सेट हो रहा है यार जे के सेकंड टू राइट में एच रखना है तो ये देखो जे नीचे की तरफ देख रहा है सेकंड टू राइट में एच और बचा क्या था जी बचा था जी को यहां पर रख दो अब देखो आर वाली जो कंडीशन थी वो अपने आप गलत हो गई आर यहां पर रख नहीं सकते आप तो आर को यहीं पर रखना पड़ेगा सॉरी आर से जी ही तो चाहिए था आर यहीं पर आएगा एक छोड़कर ये पर्सन जी को फेस कर रहा है है ठीक अब टी के लेफ्ट में क्यू चाहिए और क्यू एच के सामने नहीं होना चाहिए देखो यहां पर क्यू नहीं होना चाहिए तो टी क्यू आप नहीं रख सकते इसलिए टी क्यू को ऐसे रखना पड़ेगा जो बच गया उसको यहां पर रख दो आर वी क्यू टी एस हलवा था यार ऐसा लग रहा था अच्छा क्वेश्चन है लेकिन एच और जे को मैं सोच रहा था नीचे है वो तो ऊपर वाली लाइन में था तो बहुत ही आसान था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों आंसर पहले चेक कर लेते हैं ए सी जी एच ई जे ए सी जी एच ई जे आर वी क्यू टी एस अच्छा अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर अगर हम सी को इस तरफ लेते तो क्या होता गलत हो जाता और क्या होता गलत हो जाता इसको बनाते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत ही छोटा लिख रहा है दो से तीन मिनट का समय है जल्दी बनाइए दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा यहाँ पर बेसिक से मैं सारी क्लासेस ले रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से तो प्रीलिम्स की क्लासेस यहाँ पर चलेंगी अगले दो महीनों तक कम से कम तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सारी क्लासेस देखते रहिएगा सारे टॉपिक यहाँ पर मैं कवर करवाऊंगा ऑपोजिट इतना दूर क्यों डायग्नल ऑपोजिट मतलब कॉर्नर ही होते हैं दोनों बीच में नहीं ले सकते आप उसको इतने पजल होंगे कम से कम बारह पजल तो बनाएंगे ही अभी तक तीस तीन शायद हुए हैं तीन या चार आज डीआई की क्लास नहीं हुई कल होगी अंजलि जी हो सका तो रात में एक क्लास लूंगा डीआई की कंफर्म नहीं है चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं काफी लोगों के स्टार्ट करते हैं एट पीपल वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर तो अलग अलग यहाँ पर ईयर आपको दिए हुए सब ईयर को हम सबसे पहले लिख लेते हैं तो यहाँ पर जो भी ईयर दिए हुए उसमें सबसे ओल्ड uh, कौन सा दिख रहा है सबसे कम वाला कौन सा दिख रहा है 1977 ठीक है तो लाइन से यहाँ पर लिखते जाते हैं 1977 उसके बाद है 1978 उसके बाद है 1980, फिर 1981, उसके बाद क्या है? 83, इसके अलावा 83 के बाद क्या दिख रहा है? 1994, फिर 1996, फिर 2001, तीन, तीन, छः, सात, 2001 तो टोटल यहां पर आठ लोग हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात और नीचे आठ तो ये आठ लोग हो गए अब देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कंसीडर द बेस ईयर एज 2021 2021 आपको बेस ईयर लेना है तो इन सबकी एज निकालेंगे एज निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है 2001 को सबसे पहले आप ये आखिरी वाली की निकाल लो जो भी बंदा 2001 को बॉर्न हुआ है वो 2021 में कितने साल का होगा 20 साल अब यहां से देखो जितना ये कम दिखता है उतना आपको बढ़ाते जाना है ये पांच साल कम दिख रहा है तो पांच साल बढ़ा दो ये दो साल कम दिख रहा है दो साल बढ़ा दो ये एक दस ग्यारह ग्यारह साल कम दिख रहा है अगर आपको तो यहां पर ग्यारह साल बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा थर्टी एट एटी थ्री से दो साल कम दिख रहा है दो साल बढ़ा दो एक साल कम दिख रहा है एक साल बढ़ा दो साल कम दिख रहा है दो साल बढ़ा दो एक साल कम दिख रहा है एक साल बढ़ा दो तो ये सभी की एज आ जाएगी ठीक है अब बोल रहा है यहां पर टू पीपल वर बिटवीन पी एंड एस पी और एस के बीच में दो पर्सन बॉर्न होते हैं पी और एस के बीच में दो पर्सन बॉर्न होते हैं क्यू क्यू बिफोर आर आर जो है वो R के पहले बॉर्न हुआ है आर के पहले मतलब बीच में एरो कहीं पर भी हो सकता है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एन एंड यू इज सेवन एन और यू का जो डिफरेंस होगा वो सेवन होगा एन और यू का जो डिफरेंस होगा वो सेवन होगा आगे आपको बोल रहा है n was born after u n जो है वो u के बाद बॉर्न हुआ है मतलब हम बोल सकते हैं n u के नीचे की तरफ होगा उसके बाद बोल रहा है no one born between o and u o और u के बीच में कोई भी बॉर्न नहीं होता मतलब कि o या तो इसके ऊपर होगा जस्ट या तो नीचे होगा द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर o इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर t द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर o o के बाद जितने भी लोग होंगे उतने ही पर्सन उतने ही पीपल किसके पहले होने चाहिए, पहले होने होने चाहिए चाहिए के क्या बनेगा यहां पर? बनेगा भाई पर याद रखिएगा ऐसी कंडीशन कभी भी दी जाती है तो इसमें बनता है जब भी आपको ऐसा बोला जाता है मतलब आपको यहां पर सीधा सीधा समझ जाना है o और T का बनने वाला है इसके बाद दोस्तों क्या बोला जो एज डिफरेंस होगा ये तीन का होगा अब देखो दोस्तों यहां पर सात साल का डिफरेंस कहां पर दिख रहा है सात साल का डिफरेंस कहां पर दिख रहा है पच्चीस से सात साल, साल अगर देखें तो बत्तीस नहीं सत्ताईस से अगर सात साल देखें तो सत्ताईस से तीन और चार नहीं अड़तीस से अगर सात साल देखें तो अड़तीस से कितना हो जाएगा पैतालीस नहीं एक ही पेयर दिख रहा है आपको बस और तो कुछ नहीं है भाई अगर आपको बोल रहा है है कि साल का डिफरेंस है इन दोनों में एन और आ, यू के बीच में तो यही तो जगह दिख रही है और तो कोई जगह है ही नहीं साल और किसी में डिफरेंस है तो भाई यू जो होगा वो बड़ा है मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा एन नीचे की तरफ आ जाएगा ठीक है अब देखो दोस्तों यू के ऊपर या नीचे ओ होना चाहिए तो एक पॉसिबिलिटी ले, ले लेते हैं कि एक बार ओ को नीचे ले लेते हैं एक बार ओ को ऊपर ले लेते हैं अगर मैं नीचे की तरफ ओ को लूंगा तो क्या होगा ओ से टी का पेयर जो बनेगा वो कौन सा पेयर बनेगा ये वाला तो यहां पर आ जाएगा टी अब देखो टी की एज कितनी हो गई टी की एज हो गई फोर्टी थ्री आपको बोल रहा है तीन साल का गैप है पी के साथ तो भाई फोर्टी थ्री से तीन साल का गैप मतलब पी कहां पर आ जाएगा यहां चालीस पे आ जाएगा तीन साल का गैप दिख रहा है फोर्टी थ्री से फोर्टी पे ठीक है अब देखो पी से दो छोड़कर एस रखना है तो पी से दो छोड़कर एस ऊपर की तरफ आ जाएगा क्यू के नीचे आर होना चाहिए क्यू के नीचे आर क्वेश्चन सोल्व उम्मीद करता हूं सभी का सेम आया होगा जल्दी से चेक कर लीजिए ऐसा मेरे साथ क्यों होता है जो मैं पॉसिबिलिटी लेता हूं एक बार में सही हो जाता है किसी को है डाउट सर आप देख के आए हो पक्का पता है आप आंसर देख के आते हो आप आंसर रट के आते हो ऐसी लगता है क्या मम्मी का समय यार नहीं रट के आया दोस्तों एक्सपीरियंस से ये चीज आती है जब आप कंटिन्यू बहुत सालों से पजल्स बना रहे हो मुझे बनाते हुए पजल्स करीब करीब पांच साल हो चुके हैं पांच साल से पजल 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 डेली पजल बना रहा हूं तो हो जाता है एक्सपीरियंस आ जाता है आप भी कंटिन्यू जब पजल बनाते रहोगे ना आपके अंदर भी वो चीज आ जाएगी कि आपको मतलब समझ में आने लगेगी चीजें जब कंडीशन लिखते हैं ना कंडीशन लिखते समय ही बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही होती है कि ये यहां पर सेट हो रहा है यहां पर सेट हो रहा है वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा अपने आप एस टी क्यू पी आर यू ओ एन एस टी क्यू पी आर यू ओ एन बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों तो इसके लिए तीन से चार मिनट का समय है जल्दी से बनाने की कोशिश करिए प्लस पे भी स्टार्ट करोगे क्या मुकेश जी प्लस पे तो स्टार्ट हो चुका है पजल का कोर्स अभी नया कोर्स स्टार्ट हुआ है एकदम अगर आप बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो एक ही क्लास हुई है अट्ठाईस तारीख को उसकी नेक्स्ट क्लास अब जो होने वाली है वो एक फरवरी को होगी सुबह दस बजे का टाइमिंग है टेन ए एम टू इलेवन थर्टी ए एम ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे चार दिन हफ्ते में क्लास होती है पजल का अभी अभी बेसिक सीरीज चालू हुआ है अन प्लस का जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है दोस्तों ए एल वन जीरो आप कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा ट्वेंटी परसेंट का ऑफर चल रहा है ट्वेंटी परसेंट आपको ऑफ मिल जाएगा बीस परसेंट ऑफ आइकॉनिक और प्लस दोनों पे आप मिल रहा है आज और कल के लिए तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ सारे टीचर्स सारे कोर्सेस सारे बैचेस और सारे एग्जाम्स की तैयारी आप एक जगह पर घर बैठे कर सकते हैं

एंड आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे बिटवीन यू एंड जे यू और जे के बीच में जितने भी लोग होंगे लेफ्ट ऑफ जी उतने ही पर्सन जी के लेफ्ट साइड में बैठते हैं उतने ही पर्सन जी के लेफ्ट साइड में बैठते हैं देखो कंडीशन को हसाओ मत यार ऐसा मत करो मेरी हंसी रुकती नहीं है फिर यू और जे के बीच में जितने हैं वो के लेफ्ट में होंगे कंडीशन नोट करने का तरीका देख लो ठीक है काफी लोग समझ ही नहीं आता है कि इसको नोट कैसे करना है यू और जे के बीच में जितने लोग हैं उतने ही पर्सन G के लेफ्ट साइड में होंगे ठीक है आगे बोल रहे यू सिट्स सिक्स टू लेफ्ट ऑफ बी यू जो है वो सिक्स टू लेफ्ट में बैठता है बी से ठीक है। 1 sits between J and G, J और G के बीच एक पर्सन बैठता है आगे बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड टी बोल रहा है जी और वी के बीच में उतने ही लोग हैं जी और वी के बीच में उतने ही लोग हैं जितने वी और टी के बीच में हैं, जितने वी और टी के, के बीच में तो वी कॉमन है मतलब कि याद रखिए दोस्तों कभी भी इस टाइप की कंडीशन आपको दिखेगी कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड वी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड टी मतलब कि जी वी वी टी तो जो कॉमन होता है वो बीच में आ जाएगा बीच में आ जाएगा मतलब कि आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हो जी वी टी ऐसा नोट करना है ठीक है इसके बाद दोस्तों आगे बोल रहा है टू पर्सन सीट बिटवीन टी एंड ए दो पर्सन बैठते हैं टी और ए के बीच में तो यहां पर लिख लेते हैं टी और ए के बीच में दो पर्सन जी का एडजस्ट नहीं है मतलब यहां पर जी नहीं आएगा टू परसन सीट बिटवीन जे एंड जे टू परसन बिटवीन जे एंड के बीच में दो लोग बैठते हैं और क्या बोल रहे टू परसन सीट बिटवीन जे एंड ऑफ जे राइट साइड में बैठा हुआ है जे से द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड टीज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड फिर से वही कंडीशन आई है टी दोनों में कॉमन दिख रहा है मतलब टी जो होगा वो एग्जैक्ट मिडिल में होगा किससे बी और वाई से बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा ए से उसके बाद बोल रहा है 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 टी सिट्स एट फ्रॉम द जो है, वो पे एंड से तो टी जो है वो सिक्स पोजिशन एंड से है किसी भी तरफ आप ले सकते हो लेफ्ट में ले लो राइट right में ले लो आपकी मर्जी तो यहां पर मान लेते हैं दोस्तों एक दो तीन चार पांच छह यहां पर ले लेते हैं हम थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको

टी वी इस तरफ नहीं रख सकते तो इस तरफ मान लेते हैं टी हो जाएगा अब उसके बाद देखो दोस्तों जी के अगर लेफ्ट में आपको तीन पर्सन दिख रहे हैं तो यू और जे के बीच में तीन लोग होंगे ऐसा अभी हम जो पॉसिबिलिटी बना रहे हैं उसके हिसाब से हमको दिख रहा है ठीक है और क्या दिख रहा है जी से एक छोड़कर जे लेना है तो जी से एक छोड़कर जे इस तरफ नहीं आ सकता तो जे इस तरफ आ जाएगा ठीक है ये कंडीशन हो गई अब देखो यू और जे के बीच में तीन लोग होने चाहिए तो जे से तीन छोड़कर यू आप नहीं रख पा रहे हो कंडीशन गलत हो गई कंडीशन बिल्कुल गलत हो गई यहां पर ठीक है अब क्या करेंगे दोस्तों अब ए को इसके लेफ्ट साइड में लेके चेक करते हैं अगर मैं टी से ए को इस तरफ लेता हूं ये देखो टी और ए के बीच में दो लोग हैं अगर ए इस तरफ आ गया तो टी वी जी इस तरफ रख सकते हो आप ऐसे अब देखो दोस्तों आपको क्या पता है जी के लेफ्ट में कितने एक दो तीन चार पांच छह सात सात लोग हैं मतलब कि इनके बीच में अब सात लोग आने चाहिए यू और जे के बीच में जे और जी के बीच में एक पर्सन है जी से एक छोड़कर यहां जे नहीं हो सकता तो एक पर्सन छोड़कर यहां पर जे हो जाएगा U और J के बीच में सात लोग हैं तो U इससे J से, से काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात सात पर्सेंट छोड़कर U यहां पर हो सकता है इस वाली जगह पे उस तरफ भी हो सकता है अभी हमको नहीं पता अब अगर इस तरफ हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा B से पांच पर्सेंट छोड़ के होना चाहिए था तो एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां B दिख रहा है क्या नहीं जगह नहीं है मतलब यू को आप इस तरफ नहीं ले सकते उसी तरफ लेना पड़ेगा तो सात परसेंट काउंट करते हैं जैसे एक दो तीन चार पांच छह सात यहां पर हो जाएगा आपका यू अब यू जो है पांच परसेंट छोड़कर बी है तो एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां पर हो गया बी ठीक है अब देखो जे से दो छोड़कर वी रखना है तो जे से दो छोड़कर यहां पर हो गया वी बी जो है वो ए के जस्ट लेफ्ट साइड में है तो बी जस्ट ए के लेफ्ट साइड में है यहां पर हो गया ए A से दो छोड़कर टी रखना है तो ये देखो ए तो यहां पर ये पॉसिबल ही नहीं है गलत हो गया यार ये तो कंडीशन फिर मैं कुछ गलत कर दिया पहले ही ध्यान नहीं दिया कि बी जो है वो ए के लेफ्ट में है इसको पहले देख लेते तो पहले ही पता चल जाता कि गलत हो जा रहा है तो पहले ही देख लेना चाहिए था कंडीशन गलत हो रही है दोस्तों पलटने वाली जरूरत है इसमें तो हम दूसरे एंड से इसको स्टार्ट करेंगे कंडीशन को एक बार फिर से मैं देख लेता हूं टी के लिए क्या बोला था टी सीट्स एट सिक्स पोजिशन फ्रॉम द एंड तो अगर मैं इधर से लेता हूं टी टी सिट्स एट फ्रॉम लेफ्ट तो अगर मैं यहां पर लेता हूं टी से दो छोड़कर ए लूंगा इस तरफ में तो बी नहीं आ पाएगा पॉसिबल नहीं है तो इसलिए दो छोड़कर इस तरफ ए को लेंगे ए के जस्ट लेफ्ट में बी है बी से एक दो तीन चार पाँच छोड़कर यू है एक दो तीन चार पाँच छोड़कर यहां पर यू आ जाएगा ठीक है उसके बाद टी वी जी टी वी जी अगर वी और जी को मैं यहां पर लेता हूं टी वी जी तो जी के लेफ्ट में तीन पर्सन है तो यू और जे के बीच में भी तीन चाहिए जो कि गलत हो जाएगा मतलब यहां तो नहीं ले सकते इस भी नहीं ले सकते। यहां पर वी लेते हैं फिर एक दो तीन छोड़कर यहां पर जी लेते हैं इसको चेक करते हैं एक बार एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह टोटल तेरह लोग इसके लेफ्ट में हो रही है ये तो बहुत बड़ी कंडीशन हो रही है मेरे ख्याल से तो ये भी गलत होना चाहिए चलो देखते हैं तीन तीन छ तीन नौ तीन बारह तेरह तेरह लोग हैं तो यू और जे के बीच में तेरह लोग होने चाहिए यू और जे के बीच में तेरह लोग मतलब एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तीन तीन छ तीन नौ बारह तेरह यहां पर हो जाएगा जे और जी के बीच में एक है ये तो सही लग रहा है यार सही लग रहा है मेरे को एक बार चेक कर लीजिए आप लोग क्या आप लोगों का भी ही बना है क्या क्योंकि देखो U और J के बीच में टोटल तो तेरह लोग आ रहे हैं क्योंकि G के लेफ्ट में तेरह लोग थे और J से एक छोड़कर G आना था वही चीज आ रहा है अभी तक तो बिल्कुल सही लग रहा है अब देखो J से दो छोड़कर V को सेट करते हैं तो J से दो छोड़कर V हो जाएगा यहां पर ये पूरी कंडीशन हो गई ये कंडीशन हो गई ये वाली कंडीशन हो गई ये भी कंडीशन हो गई ये भी हो गई ये भी हो गई के बगल में जी नहीं है ये भी हो गया जी बी टी भी हो गया सिर्फ बचा है बी टी वाई अब अगर बी से एक छोड़कर टी है तो एक छोड़कर वाई यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया अच्छा जे से दो छोड़कर वी नहीं है ना वी दो बार आ गया है कुछ तो गलत है वी टी। वी टी। दूसरे एंड से लेते हैं यार अब इसको वी दो बार हो गया वी दो बार हो गया ठीक है इसको दूसरे एंड से लेते हैं अच्छा क्वेश्चन है लोगों से नहीं बना था सबसे पहले तो नो लिख दीजिए साउथ तो तो फेसिंग लेकर आपको चलना पड़ेगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट उधर उसी तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं क्या बोला था टी सी एट सिक्स पोजिशन फ्रॉम द एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पर आ जाएगा टी ठीक है अब देखो बोला टी से दो छोड़कर ए आपको रखना है टी से दो छोड़कर ए अगर आप इस तरफ रखते हो तो ए के जस्ट लेफ्ट में बी हो जाएगा ठीक है अब इसके अलावा देखो दोस्तों से वी और जी रखना है आपको तो टी से ए, वी और जी इस तरफ तो रख नहीं सकते तो टी से ऐसा वी और जी को रख सकते यार लेफ्ट नहीं पता चलेगा ऐसा नहीं बनेगा ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है लेफ्ट में ही लेना पड़ेगा लेफ्ट में ही लेना पड़ेगा दो मिनट को सोचते हैं दिमाग लगा थोड़ा बैठ जाता हूं मैं सोचो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से क्या हो सकता है लेफ्ट में ही लेना पड़ेगा ये तो कंफर्म है दोस्तों बी से यू बी से यू तो हम ले लेंगे वो तो ठीक है पर जी का लेफ्ट जब तक नहीं पता चलेगा तब तक यू और जे के बीच का पर्सन कैसे पता चलेंगे बी टी वाई हाँ बी टी वाई भी तो गलत हो रहा है यहाँ पर बी से एक छोड़कर टी एक छोड़कर वाई होना चाहिए गलत हो जा रहा है जी को कैसे रखे थे हम टी वी जी करके रखे थे ना अच्छा टी वी जी को हटाते हैं चलो ठीक है देखो दोस्तों इसमें ना कोशिश करते हैं ट्राई करते हैं क्या जाता है ट्राई करते हैं मान लो इतना तक सही था अब हमको ये चीज पता है बी टी वाई हमको रखना है तो बी से अगर एक छोड़कर टी है तो डेफिनेटली वाई यहाँ पर आने वाला है ये तो कन्फर्म हो गया तो अगर यहाँ पर वाई आ रहा है तो कन्फर्म टी वी जी जो आप रखोगे तो टी से एक छोड़ दो छोड़कर अगर आप यहाँ पर वी रखते हो तो फिर दो छोड़कर आपको यहाँ पर अः क्या जी रखना पड़ेगा E से दो छोड़कर वी दो छोड़कर जी ठीक है जे से दो छोड़कर वी होना चाहिए तो जे से दो छोड़कर वी तभी होगा जब ये देखो जे वी दो छोड़कर जे नहीं पॉसिबल ही नहीं ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया दोस्तों क्योंकि जे से दो छोड़कर वी राइट साइड में होना चाहिए था यह भी गलत है अब क्या करेंगे और एक पर्सन को हटाते हैं वी और जी को एक एक पर्सन और छोड़ते हैं चार तक चेक करते हैं उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे मतलब इसी को बनाएंगे दूसरे तरीके से तो टी से और देखो भाई टी से अगर मैं बीच में चार पर्सन छोड़ू एक दो तीन यहां पर तो चेक कर लिए ना तो यहां पर रखते हैं एक दो तीन ये हो गया जी अब यहां पर आ जाएगा जे जे से वी अब ठीक है अब देखो B से अगर पांच छोड़कर U लेना है तो एक दो तीन चार पांच छोड़कर U नहीं आ पाएगा फिर U गलत एक और बढ़ाते हैं लास्ट एक और बढ़ाते हैं दोस्तों लास्ट टी से तीन चार छोड़कर यहां पर हो गया V एक दो तीन चार छोड़कर ये हो गया G अब देखो आपको पता है J से दो छोड़कर V होना चाहिए था J आ गया यहां पर दो छोड़कर वी हो गया बी से पांच छोड़कर यू था तो बी से एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां पर आ जाएगा यू अब देखो जे और यू के बीच में जितने भी लोग हैं तो जे और यू के बीच में तीन लोग दिख रहे हैं इसलिए जी के लेफ्ट में तीन लोग होंगे एक, दो, तीन, ये आपका खत्म अब देखो कितने लोग हैं सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस टोटल ट्वेंटी परसेंट आ रहे हैं ठीक है सब कुछ सेट हो गया कुछ बचा है क्या देखो इसमें एक बार पूरा चेक कर लीजिए कुछ बचा है क्या जे और जी के बीच में एक पर्सन है ठीक है जी वी टी ये भी ठीक है उसके बाद टी और ए ये भी ठीक है यू जे जी वाली भी कंडीशन सही है यू बी वाली भी कंडीशन सही है सब कुछ सही है बिल्कुल सही है एकदम सही है सही है सही है सही है, सही है। जल्दी चेक कर लो कुछ लोग उन्नीस बोल रहे हैं कुछ लोग इक्कीस बोल रहे हैं एक दो तीन चार पांच छह अच्छा टी सीट सेट सिक्स्थ पोजीशन लिखा है मैंने सातवें पे ले लिया था दोस्तों तो एक इधर का हटा देंगे तो ये उन्नीस हो जाएगा ठीक है उन्नीस लोग आ रहे हैं टोटल टी जो है वो सिक्स्थ पोजीशन बोला था मैंने सेवन पे रख दिया था एक दो तीन चार पांच छह छठवें पोजीशन पे है टी तो उन्नीस पर्सन आएंगे ठीक है बिल्कुल सही है जी जे वी यू जी जे वी यू वाई टी बी ए ठीक है, है इधर भी काउंट कर लेते हैं पर्सन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बिल्कुल सही है एकदम सही है सही है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन तीन से चार मिनट का समय है जल्दी बनाने की कोशिश करिए दोस्तों अभी मैं बोलने ही वाला था बिजली चली गई है काफी देर से और आ गई बिजली

रस्किन बॉन्ड इसको किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों इसमें ना एक काम हम कर सकते हैं कि बंदों के नाम को फिक्स कर देते हैं बंदों के नाम मतलब भाई ये जो अजीब अजीब से नाम दिख रहे हैं ना इनको फिक्स कर देते हैं क्योंकि इसमें क्या होगा नाम हमको दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो इनके नाम को हम पहले फिक्स करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या बोल रहे हैं यहां पर देखो सबसे पहला नाम क्या था जेम्स पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है जेम्स दूसरा नाम क्या दिया हुआ है देखो जेफरी उसके बाद तीसरा नाम स्टीफन उसके बाद रस्किन तो बॉन्ड भी लिख सकते थे या जीरो जीरो सेवन भी लिख सकते थे उसके बाद सलमान एक, दो तीन चार पांच ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे यहां पर देखो ये वाले में बोल रहा है है तो जो भी जर्मनी जाता है, वो ये नहीं पढ़ता तो यहां पर जर्मनी लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं उसके बाद बोल रहा है ई इज गोइंग टू फ्रांस ई जो है वो फ्रांस जाता है ई तो e जो है वो फ्रांस जाता है उसके बाद बोल रहा है एफ रीड रस्किन तो एफ जो है वो रस्किन पढ़ता है रस्किन की किताब पढ़ता है वेर एज एच इनजॉय स्टीफन एच इनजॉय स्टीफन उसके बाद बोल रहा है द पर्सन ट्रेवलिंग टू जर्मनी एंड यूके आर नॉट रीडिंग जेम्स पैटर्सन मतलब ये वाली जगह पे कौन कौन नहीं आएगा जर्मनी और यूके नहीं आएगा तो यहां पर जर्मनी यूके लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं आगे बोल रहे जी इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया जी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाता है ठीक है और कहा कौन सी बुक पढ़ रहा है सलमान की बुक पढ़ रहा है तो जी ऑस्ट्रेलिया यहां पर लिख देते हैं हलवा क्वेश्चन यहां जर्मनी नहीं आएगा यहां जर्मनी नहीं आएगा तो जर्मनी यहां पर आ जाएगा यूके यहां पर नहीं आएगा तो यूके यहां पर आ जाएगा जो एक एक नाम बच गए उसको यहां पर लिख दीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है तो ई एच एफ जी ई एच एफ जी अच्छा इसमें ऊपर नीचे दिया है दोस्तों चेक कर लीजिए आप लोग आंसर एक बार बहुत ही हलवा था यार ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए तीन से चार मिनट का समय है उेंड पजल वाला सीरीज अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल वो हेल्पफुल रहेगा उसमें काफी कुछ चीजें मैंने सिखाई हुई हैं दोस्तों टेलीग्राम पे अगर आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो add the rate, bankers, one zero, ये सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएंगे मैं एक साथ ही पीडीएफ डालता हूं दोस्तों हर क्लास का के बाद पीडीएफ नहीं डालता एक साथ सात सा, आठ पीडीएफ में डाल देता हूं तो आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा एट द रेट बैंकर्स है नाम अंकुश लांबा है अंकुश लांबा के नाम से मतलब चैनल है और उसका लिंक जो है वो एट द रेट बैंकर्स वन जीरो है चलिए काफी लोगों को डन के मैसेज आ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं सेवन मैनेजर्स नेमली आर एस टी यू वीड्ल्यू एंड एक्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड दे सेलिब्रेट दियर टारगेट अचीविंग पार्टी फ्रॉम मंडे टू संडे तो मंडे से संडे का दिया हुआ है मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ठीक है तो ये सब लोग अलग अलग दिन पार्टी कर रहे हैं हर दिन पार्टी हो रही है अपना नहीं बता रहा हूँ इनका बता रहा हूँ

उसके बाद क्या बोल रहा है आपको वी सेलिब्रेटेड अ पार्टी ऑन फ्राइडे वी जो है वो फ्राइडे के दिन पार्टी सेलिब्रेट करता है ठीक है मिनट दोस्तों करिए तो क्या बोल रहा है आगे एस सेलिब्रेटेड इन पिज्जा हट एस जो है उसने वो पिज्जा हट में सेलिब्रेट करता है यहां पर लिख देते हैं एस इसके बाद क्या बोल रहा है देर इज ओनली वन पार्टी सेलिब्रेटेड बिटवीन आर पार्टी एंड टीस पार्टी मतलब आर और टी के बीच में सिर्फ एक पार्टी होती है वन पार्टी सेलिब्रेटेड बिटवीन द पार्टी इन के एफ सी एंड डोमिनोज पिज्जा के एफ सी और डोमिनोज के बीच में एक पार्टी सेलिब्रेट होती है के एफ सी और डोमिनोज के बीच में एक पार्टी सेलिब्रेट होती है उसके बाद बोल मोर देन वन पार्टी सेलिब्रेटेड बिटवीन द पार्टीज इन चिली चिलीज एंड सबवे मोर देन वन पार्टी तो चिलीज और सबवे के बीच में आ, क्या बोल रहा है मोर देन वन पार्टी मोर देन वन पार्टी मतलब इसको हम ऐसा लिखेंगे प्लस वन एक से ज्यादा ठीक है प्लस वन मतलब एक से ज्यादा पार्टी होती है इन दोनों के बीच में तो इसको थोड़ा इरेज करके फिर से लिख देता हूं उसके बाद क्या बोल रहा है वी सेलिब्रेटेड इन के एफ सी वी जो है वो के एफ सी में सेलिब्रेट करता है तो यहां वी लिख देते हैं तो वी तो वी लिखा हुआ है यहां डायरेक्ट लिख देते हैं उसके बाद बोला यू यू सेलिब्रेटेड इन जो है वो मैकडोनल्ड में तो मैकडी यहां पर लिख देते हैं एक्स सेलिब्रेटेड ऑन संडे एक्स जो है वो संडे को सेलिब्रेट करता है एस सेलिब्रेटेड ऑन ट्यूजे एस जो है वो ट्यूजडे को सेलिब्रेट करता है ठीक है अब दोस्तों यहां पर आर और टी के लिए तो अभी कोई जगह नहीं इसको पहले रखते हैं एस पिज्जा एस पिज्जा अगर एस पिज्जा है इससे ऊपर बर्गर किंग आना चाहिए तो यहां पर बर्गर किंग आ जाएगा ठीक है ये पिज्जा हट है ये बर्गर किंग है तो ये वाली कंडीशन तो हमारी हो गई इसके बाद क्या बोला है के से एक छोड़कर डोमिनोज रखना है तो डोमिनोज आप कहां पर रख सकते हो ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी रख सकते हो मान लेते हैं कि नीचे है ठीक है मान लेते हैं कि अगर नीचे होगा तो ध्यान से देखिए आपको चिलीज और सब्वे के बीच में एक से ज्यादा चाहिए मतलब कि ये वाली दो जगह आपको रखनी पड़ेगी यही दो जगह पे आपको रखना पड़ेगा किसको चिलीज और सब्वे को तो बचा क्या आपके पास मैगडी वो मैगडी यहां पर आ जाएगा ठीक है अब देखो दोस्तों आपको क्या पता है कि के जो है वो वी ये तो हो चुका है डोमिनोज ये वाला हो गया मैगडी यू है तो मैगडी यू यहां पर आ गया आर और टी अगर आपको रखना है आर और टी को आप यहां पर रख सकते हो ठीक है यार कुछ कंडीशन आपका ध्यान किधर है आपकी कंडीशन इधर है अं... अंज... अंजलि जी हाँ सही बात है पीछे हाँ देख लिया क्या गलत लिखा हो यार फिर से पढ़ना पड़ेगा रुक जाओ मैं बनाया जा रहा हूँ बनाया जा रहा हूँ यहाँ बैठे हुए लोग भी बता नहीं रहे बताना चाहिए ना अच्छा ये वाली ठीक है ये मैगडी और चिली जो है इसके अलावा और कोई कंडीशन गलत है क्या बस यही था ना इसके अलावा और कोई कंडीशन तो नहीं थी गलत ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो फिर से करना पड़ेगा यार ये पूरा मैंने तो पता नहीं क्या क्या रख दिया यहाँ पर KFC से डोमिनोज मैंने रख दिया ठीक है और एस पिज़्ज़ा तो यही था यही बोला गया था ना एस पिज़्ज़ा एस सेलिब्रेटेड ऑन ट्यूज़डे ठीक है एस पिज़्ज़ा बर्गर ये तो सही रखा गया है बिल्कुल ये मैगडी को हटा देते हैं यू को हटा देते हैं वी के एफ सी भी सही है ठीक है एक्स एक्स भी सही दिया हुआ है सारी चीज़ें सही है ना इतना अब उसके बाद देखो दोस्तों क्या करेंगे तो कलर चेंज करते हैं पहले तो अब अगर मैगडी और चिलीज़ यहां पर नहीं आ सकता तो हमको क्या पता है चिलीज और सब्वे के बीच में एक से ज़्यादा यानी मिनिमम दो तो होने ही चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं डोमिनोज को अगर मैं नीचे लेता हूं के से फिर से वही चीज़ को चेक करूंगा कि डोमिनोज अगर मैं नीचे लेता हूं ठीक है तो चिलीज और सब्वे के लिए ये वाली और ये वाली जगह बचेगी जो कि गलत हो जाएगा नहीं गलत नहीं होगा यहां पर सब्वे को रख देंगे ठीक है चिलीज ऊपर चले जाएगा और मैगडी यहां पर हो जाएगा अब देखो मैगडी एफ uh, सी जो है वो वी है ये तो हो चुका है मैगडी यू है ये भी हो चुका है आर और टी के बीच में एक है तो आर और टी यहां पर आ जाएंगे आर ऑब्लिक टी हमको पता नहीं है कौन ऊपर कौन नीचे तो एक जो नाम बचा वो यहां पर आएगा इसमें इधर और बन रहा है क्या सभी का तो जो बच गया क्या बचा डब्ल्यू बचा उसको यहां पर रख देते हैं ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है चेक कर लेते हैं दोस्तों आर ऑब्लिक टी एस यू वी डब्ल्यू एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स एस आर और टी का बन रहा है बाकी भी चेक कर लेते हैं बर्गर पिज्जा चिलीज मैगडी बर्गर पिज्जा चिलीज मैगडी के एफ सी सब वे डोमिनोज के एफ सी सब वे डोमिनोज चलो चलो मतलब डोमिनोज चलो नहीं बोल रहा हूँ अगला क्वेश्चन बनाओ तीन से चार मिनट का समय है जल्दी से बनाइए इसको चलिए डन के मैसेज तो आ गए हैं काफी सारे तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा यहां पर बोल रहा है 8% n o p q r s t u were born on two different dates चार और पांच को 4 डिफरेंट मंथ जनवरी अप्रैल मई जून तो दोस्तों इसको बनाने का तरीका इस तरीके से रखना चाहिए चार पांच चार पांच फिर चार पांच चार पांच छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी अब देखो मंथ के नाम यहां पर कौन कौन से दिए जनवरी अप्रैल ये हो गया जनवरी ये हो गया अप्रैल उसके बाद ये हो गया मई ये हो गया जून जनवरी में कितने दिन होते हैं इकतीस अप्रैल में तीस ठीक है अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों थ्री परसेंट अमंग देम लाइक अ डिफरेंट कलर तीन लोगों को कलर पसंद है रेस्ट ऑफ देम डू नॉट लाइक एनी कलर सिर्फ तीन लोगों को कलर पसंद है बाकी किसी कुछ भी नहीं पसंद थ्री पर्सन वर बॉन्ड बिटवीन एन एंड क्यू एन और क्यू के बीच में तीन लोग हैं उसके बाद बोल रहा है एन इन जनवरी और अप्रैल तो एन जो होगा वो या तो जनवरी में बॉर्न हुआ है एन जो होगा वो या तो जनवरी में बॉर्न हुआ है या तो अप्रैल में बॉर्न हुआ है ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है टू पर्सन वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक येल्लो दो पर्सन है क्यू और येल्लो के बीच में

ऑफ मे लाइक्स ब्लू कलर इवन डेट इन द मंथ ऑफ मे मतलब कि चार तारीख तो चार तारीख इवन है या इसको ब्लू कलर पसंद है यहां पर लिख देते हैं ब्लू उसके बाद क्या बोल रहा है टी एंड आर डज नॉट लाइक पिंक कलर टी और आर को पिंक कलर नहीं पसंद तो ये सारी कंडीशन हमने लिख दी है अब चलो देखते हैं इसमें कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले देखो दोस्तों ओ की कंडीशन देखते हैं हम हमको पता है ओ जो है वो इन दोनों में से किसी एक जगह पर आने वाला है पर ओ से तो रिलेटेड कुछ है ही नहीं ओ <laughs> से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है यू <laughs> से भी रिलेटेड कुछ नहीं है उसको सेट करके तो कोई फायदा ही नहीं है एन वाली कंडीशन को ले सकते हैं चलो एन की कंडीशन लेते हैं दोस्तों क्योंकि और तो कुछ दिख नहीं रहा है एन से क्यू सेट होगा तो कम से कम क्यू से पूरा ये लिंक्ड है तो हम चेक कर पाएंगे एन हमको पता है या तो जनवरी में या तो अप्रैल में तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं एन को सबसे पहले ऐसे टॉप पे लेते हैं ठीक है एन से तीन छोड़कर हो जाएगा तीन छोड़कर यहां पर क्यू आ गया क्यू से दो छोड़कर येल्लो लेना है तो नीचे की तरफ मान के मान के चलते हैं कि दो छोड़कर येलो यहां पर आ जाएगा अब येल्लो अगर यहां पर आ गया आपको पता है तीन छोड़कर पी होना चाहिए तीन छोड़कर पी हो गया पी से दो छोड़कर टी होना चाहिए पी से दो छोड़कर टी यहां पर हो गया ठीक है अब देखो पिंक कलर आपको कहां पर लेना है ओ और यू ओ के लिए फिर यही वाली जगह बचेगी ओ से दो से ज्यादा पर्सन छोड़कर यू होना चाहिए तो यू यहां पर आ जाएगा ठीक है पिंक और एस के बीच में चार पर्सन होने चाहिए तो एस और पिंक ये देखो एस को यहीं पर रखना पड़ेगा ठीक है एक दो तीन चार छोड़कर यहां पर पिंक हो जाएगा इसके अलावा टी और आर को पिंक नहीं पसंद है तो आर तो पिंक पे ही आ रहा है मतलब कंडीशन गलत हो गई हमारी पूरा सॉल्व करने के बाद गलत हो रहा है बहुत ना इंसाफी है अब इसी में क्या करेंगे दोस्तों थोड़ा सा चीजों को चेंज करते हैं एन को तो वहीं रखेंगे एन को चेंज नहीं करना है एन को चेंज मत करिए अब क्या करेंगे हम जो ये क्यू से येल्लो नीचे लिए थे ना अब इसको ऊपर लेकर देखते हैं अगर क्यू से येल्लो ऊपर की तरफ में लेता हूं दो छोड़कर यहां पर अब येल्लो से तीन छोड़कर पी लेना है तो यहां पर पी आ जाएगा पी से दो छोड़कर टी लेना है तो टी यहां पर आ जाएगा बचा हमारे पास ओ से यू तो यू को आप यहां फिर यहां पर कुछ भी ले सकते हो एस से चार छोड़कर पिंक रखना है एस से चार छोड़कर पिंक नहीं हो सकता एस से चार छोड़कर पिंक हो जाएगा टी को पिंक आ गया ये भी गलत है कंडीशन गलत है दोस्तों पूरी आप नहीं ले सकते यहां पर एन को आप यहां पर नहीं ले सकते एन को सेकेंड पोजिशन पे लेंगे एन को जब यहां लोगे ओ यहां पर हो जाएगा एन से तीन छोड़कर क्यू यहां पर हो जाएगा क्यू से दो छोड़कर येल्लो ऊपर की तरफ हो जाएगा फटाफट चेक करते जाओ दोस्तों येल्लो से तीन छोड़कर पी हो जाएगा यहां पर पी C से दो छोड़कर T हो जाएगा अब उसके बाद देखो S को हमको नीचे की तरफ लेना है S यहां पर हो जाएगा चार छोड़कर S पिंक नहीं हो पाएगा कंडीशन गलत हो गई ये भी कंडीशन गलत है और नीचे लेके देखते हैं अब N को अगर यहां पर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा N से तीन छोड़कर Q यहां पर हो जाएगा Q से दो छोड़कर yellow यहां पर हो जाएगा येल्लो से तीन छोड़कर पी अः क्या चाहिए पी चाहिए पी से दो छोड़कर टी चाहिए एस चार छोड़कर पिंक ठीक है उसके बाद ओ और यू आपको सेट करना है तो ओ और यू के बीच में दो से ज्यादा होने चाहिए ये भी गलत हो गया सभी गलत होते जा रहे हैं यार सब गलत होते जा रहे हैं कुछ गलती कर दिया मैंने लग रहा है एक बार लास्ट वाला भी चेक करता हूं नहीं तो फिर शुरुआत से चेक करूंगा दो मिनट रुक जाओ एन को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो एन से तीन छोड़कर क्यू क्यू से दो छोड़कर येल्लो नहीं आ सकता गलत हो गया ठीक है टॉप पे फिर से लेते हैं फिर से टॉप पे लेते हैं एन तीन छोड़कर क्यू क्यू से दो छोड़कर येल्लो येल्लो से तीन छोड़कर पी पी से दो छोड़कर टी ऊपर नहीं आ सकता तो नीचे एस नीचे की तरफ चाहिए एस चार छोड़कर एक दो तीन चार छोड़कर पिंक ठीक है ओ और यू रखना है ओ यहां पर यू यहां पर अब जो बच गया आर उसको यहां पर रख दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहले ही सही था यार मैंने गलती कर दी थी हाँ बस एस को ऊपर लेना था मुझे लगा सिर्फ येलो वाली कंडीशन हमारी बच रही थी पहले में तो येलो को ऊपर रख के चेक कर लिए पर इसको एस को यहां जो रखे थे हम उसको ऊपर रख के चेक नहीं किए थे वरना पहली पॉसिबिलिटी में ही सॉल्व हो जाता ठीक है तो उम्मीद करता हूं बना होगा सभी से एक बार चेक कर लेते हैं एनओआआरपी क्यू एस टी एनओआर पी क्यू एस टी यू ठीक है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए तीन से चार मिनट का समय है तो दोस्तों आ, काफी सारे लोगों का डन मैसेज आ रहा है उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिए हो गए आप लोग तो एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ दोस्तों आप लोग पहले इसको भी बना लीजिए ठीक है तीन से चार मिनट का समय दे रहा हूँ फिर दोनों क्वेश्चन को एक साथ करवाऊंगा इसको भी क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए नहीं बन रहा है चलो जिनसे बन रहा है बनाते रहिए दोस्तों मैं सॉल्व करता हूं तब तक पिछला क्वेश्चन ठीक है ये वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूं इसमें बोरा सेवन परसेंट ए बी सी डी एफ जी आर लिव्स इन अ बिल्डिंग विच हैव नाइन फ्लोर तो नौ फ्लोर की बिल्डिंग है नौ आठ सात छह पांच चार तीन दो एक अब क्या बोल रहे हैं यहां पर थ्री पर्सन आर लिविंग लिव्स बिटवीन डी एंड जी डी और जी के बीच में तीन पर्सन रहते हैं एक दो तीन टू फ्लोर अबाउट डी ए जो है वो दो फ्लोर ऊपर रहता है किससे डी से फोर फ्लोर आर बिटवीन एफ एंड बी फोर फ्लोर है किसके किसके बीच में एफ और बी के बीच में आगे आपको क्या बोल रहा है बी हु लिव्स एडजेसेंट टू डी बी जो कि डी के एडजेसेंट है मतलब या तो ऊपर या तो नीचे F lives above D. F जो है वो D के ऊपर रहता है इसके बाद बोल है नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन B एंड इज सेम एज बिटवीन A एंड E. B और G के बीच में जितने भी पर्सन रहते हैं जितने भी पर्सन रहते हैं ठीक है वो सेम होंगे A और E के बीच में B और C, A और E. आगे बोल रहा है सी लिव्स बिलो डी बट नॉट ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर सी जो है वो डी के नीचे रहता है लेकिन बॉटम मोस्ट पे नहीं है नीदर द टॉप नॉर द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज वैकेंट वैकेंट यहां पर लास्ट वाले में नहीं होगा और ना तो टॉप वाले में होगा अब दोस्तों हमको ये चीज पता है अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा अगर आपको पता है कि बी से चार फ्लोर छोड़कर एफ है बी के एडजेसेंट में डी है मतलब एफ की पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ऊपर की तरफ होगा क्योंकि अगर इसके पास में बी बैठा है यहां पर या यहां पर तो डेफिनेटली एफ तो इससे ऊपर ही होगा ना कंफर्म है ये तो एफ को टॉप से लेकर हम स्टार्ट करते हैं एक बार एफ को यहां पर लेंगे एफ से चार फ्लोर छोड़कर बी एक दो तीन चार छोड़कर यहां पर हो गया बी अब बी के डी जो डी है वो या तो ऊपर होगा या तो नीचे एक एक करके चेक करते हैं एक बार ऊपर ले लेते हैं ऊपर लिए तो दो फ्लोर छोड़कर यहां पर ए हो जाएगा ठीक है डी से तीन पर्सन छोड़कर जी होना चाहिए तो तीन पर्सन छोड़कर यहां पर जी हो जाएगा ये दोनों को वैकेंड मान लेते हैं, ठीक है D के नीचे सी होना चाहिए सी और बी और सी के बीच में जितने पर्सन है उतने ए और ई e के बीच में है ये हो गया सॉल्व सिंगल पॉसिबिलिटी एक बार चेक करो कुछ गलत तो नहीं है डी रॉन्ग है ए टू टू फ्लोर फ्लोर डी अच्छा। में मतलब एक लेना था ना मैंने दो ले लिया ठीक है ठीक है कंडीशन लिखते समय बताना चाहिए ना यार सॉल्व होने के बाद बताते हो गलत बात है ये तो पहले बताना चाहिए सर कंडीशन गलत लिखे हो मैं तो इसके हिसाब से बना रहा था ठीक है फिर से चेक करते हैं इसको एफ से चार फ्लोर छोड़कर बी ई e को अगर यहां लेते हैं तो ए यहां पर हो जाएगा ठीक है अब डी से तीन छोड़कर जी रखना है तो जी यहां पर हो जाएगा उसके बाद डी के नीचे सी रखना है डी e और सी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही ए और ई e के बीच में होंगे डी e और सी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही ए और ई e के बीच में होंगे और कौन सी कंडीशन है B e के ऊपर एफ डी से तीन छोड़कर जी डी के नीचे सी सी और ई e बस दो ही तो रखना है ना तो अगर मैं यहां पर रखू सी को और ई e को अगर मैं रख दू इसके साथ में गलती हो रही है यार समझ नहीं आ रहा है अच्छा B और G है ठीक है ठीक है यार सच में ना मतलब क्या हो गया ज्यादा क्लास हो गई लग रहा है ज्यादा कितनी देर की क्लास हो गई है दोस्तों कोई बताएगा क्या इतना देर हो गया अप्रोक्स दो सवा दो घंटे हो चुके हैं इसलिए हो रहा है ऐसा चलो फिर से फिर से फिर से फिर से एफ से चार छोड़कर बी डी टी बी हो गया उसके बाद डी से एक छोड़कर ए अब बी से डी से तीन छोड़कर जी ठीक है बी और जी के बीच में जितने भी लोग हैं तो अगर इनके बीच में दो पर्सन होंगे तो ए से भी इधर दो पर्सन होने चाहिए तो यहां पर मान लेते हैं ई e को तो बी और जी के बीच में दो पर्सन हो जाएंगे तो ए और ई के बीच में भी दो पर्सन हो जाएंगे ये वैकेंट ये वैकेंट चेक कर लीजिए एक बार दोस्तों आप अब।, अब सही है क्या ठीक है ना चलो चेक कर लेते हैं एफ वैकेंट ए वैकेंट एफ वैकेंट ए वैकेंट सी जी सी जी बिल्कुल सही है चलो ये वाला पजल क्यों नहीं बन पा रहा था भाई चलो देखते हैं इसको बनाते हैं सिक्स कैप्टन ए बी सी डी ई एफ ऑफ सिक्स डिफरेंट टीम एम एन ओ पी क्यू आर आर सिटिंग ओपीआर सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर छह लोग सर्कल में बैठे हैं थ्रेड से बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छोड़ ठीक है आगे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ वन इज सेम डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ वन इज सेम ठीक है दे ऑल हैव ऑफ डिफरेंट एजेस तभी अलग अलग एज के हैं इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस उसके बाद क्या बोल रहा है सी सीटेड सेकंड टू राइट ऑफ द कैप्टन ऑफ टीम पी ओके कंफ्यूज यानी कि कोशिश कर रहा है अरे सिंपल है भाई जो जिस टीम का कैप्टन है वो टीम भी तो उसी के साथ होगी मतलब अगर बोल रहा है सी इज सीटेड सेकंड टू राइट ऑफ द कैप्टन ऑफ टीम पी मतलब कि पी के सेकंड टू राइट में सी बैठा है सिंपल सी तो बात है पी को कहीं पर भी रख दो पी के सेकंड टू राइट में कौन हो जाएगा सी हो जाएगा तो यहां पर सी रख देते हैं ऐसे ना दो पहले ब्लॉक बना लो वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे कहां पर किसको रखना है ठीक है ये छह बन गया इसको थ्रेड को इसको हटा देते हैं ये थ्रेड को थोड़ा बॉक्स टाइप बना दिया मैंने ठीक है थ्रेड को मैंने बॉक्स टाइप बना दिया अब यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे कैप्टन के नाम और ऊपर में लिखेंगे टीम के नाम तो आपको क्या बोला था ध्यान से देखो आपको बोला सी सीटेड सेकंड टू राइट ऑफ द कैप्टन ऑफ टीम पी मतलब पी से सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है उसके बाद क्या बोल रहा है वो सी है जिसकी एज 36 नहीं है वो सी मतलब कि यहाँ पर छत्तीस एज वाला नहीं आएगा अब बोल रहा है कैप्टन जिसकी एज थर्टी थ्री है वो कैप्टन जिसकी एज थर्टी थ्री है इज सीटेड सेकंड टू लेफ्ट सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है कैप्टन ऑफ टीम आर मतलब आर के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है आर इज नॉट ए और सी मतलब आर जो है वो ए और सी नहीं होगा ठीक है आगे बोल रहे बी इज सीड ऑपोजिट टू दैप्टन ऑफ टीम क्यूज एज इज बत्तीस क्यू जिसकी एज बत्तीस है इसके ऑपोजिट में कौन बैठा है ऑपोजिट मतलब बीच में दो लोग होंगे तो बी इज सीड ऑपोजिट मतलब यहां पर हो गया बी ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों देयर इज ओनली वन कैप्टन बिटवीन द कैप्टन ऑफ टीम आर एंड क्यू एक ही कैप्टन है आर और क्यू के बीच में तो यहां पर लिख लेते हैं आर और क्यू के बीच में एक ही कैप्टन है बट ही इज नॉट एम लेकिन वो एम नहीं होगा क्यू सिट्स टू राइट ऑफ आर क्यू जो है वो आर से राइट right की तरफ में है आगे बोल रहा है द कैप्टन हुज एज इज टू राइट ऑफ ए जिसकी भी एज थर्टी फोर है वो सेकंड टू राइट में है ए से कैप्टन बत्तीस एज वाले के बगल में पैंतीस वाला नहीं बैठता ठीक है आगे बोला एफ इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कैप्टन ऑफ टीम ओ नॉट नियर टू एफ इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कैप्टन ऑफ टीम ओ एफ जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है टीम ओ कैप्टन से बट नॉट नियर टू ए लेकिन ए के नियर नहीं है कैप्टन ऑफ टीम एम इज नॉट सी नियर टू दैप्टन ऑफ टीम एन कैप्टन एम जो है वो एन के बगल में नहीं है वो डी के इमीडिएट राइट में है एम जो है वो डी के इमीडिएट right राइट right में है लेकिन क्या बोला इज नॉट सीड नियर टू द कैप्टन ऑफ टीम एन मतलब ये एन के बगल में नहीं होगा ठीक है इससे स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वाली कंडीशन को अभी लिख लेते हैं सी सेकंड टू लेफ्ट में कौन है, P है ऐसा लिख लेते हैं। और सी की एज छत्तीस नहीं है कंडीशन कौन सी लेंगे इसमें आर क्यू बी वाली कंडीशन मुझे सही लग रही है आर क्यू बी वाली कंडीशन मुझे सही लग रही है आर को कहीं पर भी आप ले सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको बनाना र को कहीं पर भी ले सकते हो मान लेते हैं कि आर यहां पर है ठीक है आर यहां पर है आर के सेकंड टू लेफ्ट में थर्टी थ्री वाला मतलब यहां पर हो जाएगा थर्टी थ्री आर में ए और सी नहीं आना चाहिए तो यहां पर A और C नहीं आ सकते ये वाली कंडीशन हो गई अब इसके बाद देखो दोस्तों आर के सेकेंड टू राइट में क्यू है तो आर के एक छोड़कर यहां पर आ जाएगा क्यू ठीक है यहां पर आ जाएगा क्यू क्यू जो है वो आर से एक छोड़कर राइट में है तो Q ये तो कंडीशन हो गई हमारी R और Q के बीच में M नहीं है मतलब इस वाली जगह पे M नहीं आ सकता यहां पर M नहीं आ सकता ठीक है M यहां पर नहीं आ सकता नीचे ही लिख देते हैं ऊपर लिखने की क्या जरूरत है अब देखो दोस्तों इसके बाद क्या करना है ये कंडीशन हो गई अब देखो क्यू बत्तीस है तो यहां पर बत्तीस एज लिख देते हैं क्यू से दो छोड़कर बी रखना है तो दो छोड़कर बी यहां पर रखेंगे तो बी नीचे आ जाएगा नीचे क्यों रखा हूं दोस्तों ABCDEF जो है वो नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे PQRST जो है है वो इस वाली लाइन पे लिखेंगे ठीक उससे कंफ्यूजन नहीं होगा हमको अब देखो बी भी हमारा सेट हो गया ये कंडीशन भी हमारी हो गई इसको भी काट देते हैं इसको भी काट देते हैं अब क्या बचा ए यहां नहीं आ सकता सी के सेकंड टू लेफ्ट में पी है 35 के बगल में पैंतीस नहीं है ठीक है से पी। आ रही है। एक के सेकंड टू राइट में चौतीस वाला है और ओ कैप्टन हूज एज इज थर्टी थ्री एंड टू लेफ्ट ऑफ द कैप्टन ऑफ टीम आर इज नॉट और सी थर्टी फोर वाला ही लग रहा है मुझे तो आप सेट करने के लिए एफ ओ डी एम चलो कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों ए और सी वाली कंडीशन को देखते हैं चलो बनाते हैं अगर दोस्तों कलर चेंज करते हैं पहले तो ये देखो सी आपको पता है कि छत्तीस नहीं है पत्तीस के बगल में पैंतीस नहीं आएगा तो इन दो जगह पे पैंतीस नहीं आएगा पैंतीस के लिए ये वाली दो जगह है दोस्तों हमको पता है ए से एक छोड़कर चौंतीस आपको लेना है ठीक है ए से एक छोड़कर चौंतीस आपको लेना है तो आप कहां पर ए को ले सकते हो अगर आप ए को यहां यहां लोगे तो चौंतीस पॉसिबल नहीं है ए को अगर मैं यहां पर लूंगा तो चौंतीस यहां पर हो जाएगा अब अगर आपको पता है कि पैंतीस जो है वो बत्तीस का नेबर नहीं है मतलब यहां नहीं आ सकता यहां नहीं आ सकता तो पैंतीस सिर्फ यहां पर आएगा ठीक अब बचा सी जो कि छत्तीस नहीं है अगर सी छत्तीस नहीं है तो कहीं पर भी आ सकता है सी से एक छोड़कर पी लेना है ठीक है अगर आप सी को यहां पर लेना चाहोगे तो एक छोड़कर यहां पी नहीं आ सकता सी को यहां लेना चाहोगे तो एक छोड़कर पी नहीं आ सकता इतनी पूरी जगह गई सी यहां पर भी नहीं आ सकता तो सी के लिए सिर्फ यही जगह बचेगी अब अगर सी छत्तीस नहीं है तो यहां पर छत्तीस आ जाएगा बचा क्या इकतीस बचा है उसको यहां पर रख देंगे ठीक है अब सी से एक छोड़कर पी रखना था तो सी से एक छोड़कर पी यहां पर आ जाएगा के राइट में एम D के राइट में M जो कि N के बगल में नहीं होना चाहिए तो D को यहां पर रखोगे तो M यहां पर हो जाएगा O के लेफ्ट में F रखना है O को यहां रखोगे तो F यहां पर हो जाएगा F A के बगल में नहीं आना चाहिए ठीक है ठीक है F A के बगल में नहीं आना चाहिए तो यहां पर D और M को मत रखो इसको एफ ये देखो एफ अगर इन दोनों जगह पे नहीं आएगा तो एफ यहां पर आएगा तो एफ ओ के लेफ्ट में इसलिए ओ के लेफ्ट में एफ हो गया ठीक है के राइट में एम रखना है जो कि एन के बगल में नहीं होना चाहिए तो के राइट में एम गलत हो रहा है यार गलत हो रहा है गलत हो रहा है गलत हो रहा है ए चौतीस को चेंज करेंगे दोस्तों गलत हो रहा है ठीक है इस ए को यहां से चेंज करेंगे अब अब A को लेते हैं दोस्तों यहां पर तो एक छोड़कर यहां पर चौतीस आ जाएगा पैंतीस के लिए आपको पता है कि बत्तीस के बगल में अगर पैंतीस नहीं है तो पैंतीस यहां पर आ जाएगा अब सी की कंडीशन को देखते हैं दोस्तों हमको पता है सी से एक छोड़कर पी लेना है अगर आप सी को यहां पर लोगे तो एक छोड़कर यहां पी नहीं आ सकता सी को आप इसलिए यहां पर नहीं ले सकते सी को यहां पर लोगे तो एक छोड़कर यहां पर पी आ सकता है आप सी को यहां पर ले सकते हो

डी के बगल में एम डी यहां रखोगे तो एम नहीं हो पाएगा डी यहां रखोगे तो एम नहीं हो पाएगा इसलिए डी को यहां पर रखो तो एम यहां पर हो गया के के लेफ्ट लेफ्ट में में रखना रखना है है तो ये तो गलत हो गया भाई के लेफ्ट में रख ही नहीं पाओगे आप क्योंकि जो है वो यहां ऊपर में आने वाला है तो यहां ओ रखोगे एफ नहीं आ पाएगा यहां रखोगे एफ नहीं आ पाएगा, पाएगा हो ही नहीं सकता ये गलत हो गया अब लास्ट एक चीज जो हमारी बची थी क्या सी की कंडीशन को चेंज करना अब सी की कंडीशन को चेंज करते हैं दोस्तों ए चौंतीस पैंतीस तो बिल्कुल सही है अब सी को रखते हैं यहाँ पर तो पी हो जाएगा यहाँ पर ये यह मेरे ख्याल से सही होना चाहिए अब देखते हैं सी से पी हमने रख अरे सी से हाँ ठीक है सी से पी हमने रख दिया अब डी से एम रखना है ए के बगल में एफ नहीं आ सकता मतलब कि यहाँ पर ओ एफ नहीं आएगा ओ एफ यहाँ पर नहीं आएगा ओ एफ को यहां पर ले सकते हैं या तो यहां पर ले सकते हैं अगर ओ एफ को यहां पर लेते हैं ठीक है ओ से एफ तो डी के बगल में एम होना चाहिए डी के बगल में एम मतलब कि डी एम यहां पर रख सकते हो डी एम यहां पर रख सकते हो अब तो बन जाएगा यार एफ और एफ के बगल में ए नहीं है ना तो एफ के बगल में तो ए नहीं दिख रहा ठीक है डी के बगल में एम डी के बगल में एम यहाँ पर रख सकते हैं यहां पर यह देखो एम नहीं आएगा तो डी एम नहीं रख सकते इसलिए डी यहां पर एम यहां पर अब सही है बिल्कुल एक एक जो नाम बच गया रख दो दोस्तों क्या बचा हुआ है ए बी सी डी ई पी एम एन ओ पी क्यू आर एम एन बचा हुआ था एन को यहां पर रखो और ये वाला हो जाएगा आपका सी अगर छत्तीस नहीं है तो यह छत्तीस और यह इकतीस बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग आंसर देखते हैं दोस्तों ए एम थर्टी थ्री एक जगह से स्टार्ट करते हैं क्यू एफ बत्तीस से स्टार्ट करते हैं क्यू एफ बत्तीस कहा गया क्यू एफ बत्तीस ठीक है उसके राइट में देखो ओ डी छत्तीस ओ डी छत्तीस उसके बाद में देखो ए एम तैतीस ए एम ठीक है फिर बीपी पैंतीस बी पैंतीस ठीक है चौंतीस आर ई 34, R, e, बिल्कुल सही है सी एन इकतीस सी एन इकतीस बिल्कुल सही है हंड्रेड परसेंट करेक्ट लेवल क्या था ये मेंस लेवल बोल सकते हो आप मेंस क्लर्क वगैरह के मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार वैसे वैसे तो पी का ही है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है दो तीन मिनट ज्यादा ज्यादा चार मिनट मान लो बस ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्या बोल रहा है और ये अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ऐसे ही कुछ भी लिखते रहोगे तो दिक्कत होगी एक जगह टीम का नाम लिख रहे हो तो दूसरी जगह ही कैप्टन का नाम लिखो तभी आप कर पाओगे इसको सॉल्व करना इस टाइप के क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ये अप्रोच याद रखिएगा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल इसी जैसे हस्बैंड वाइफ वाला आता है ना तो एक पूरा हस्बैंड का बनाया करो लाइन एक पूरा वाइफ का बनाया करो तो वैसे में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है करना है और की खत्म करें कितनी देर की क्लास हो गई चेक किया जाए कितनी देर की क्लास हो गई है अप्रॉक्स सवा दो घंटे हुए हैं ढाई घंटे कर लेते हैं सवा दो कल हुए थे अपने तीन पांच कल तो साढ़े चार बजे तक हुआ था दोस्तों आज और थोड़ा आधा घंटा नहीं रुकना संडे मनाना है योर विश मेरी क्या विश चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को जिनको जाना है जा सकते हैं अब सिर्फ मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोग सॉल्व करोगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा ठीक है सिर्फ क्वेश्चन चलेगा अब तो पहले थोड़ा सा रुक जाओ पहले प्रमोशन कर देते हैं ए एल वन जीरो कोड लगा लीजिएगा दोस्तों आज और कल ऑफर चल रहा है बीस परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस पर दस परसेंट मिलता है हमेशा लेकिन आपको बीस परसेंट का डिस्काउंट आज और कल के लिए ये वैलिड है अगर आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड को इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आइकॉनिक पे भी इसका डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों तो आप आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इससे ठीक है आइकॉनिक में क्या फ़ायदा होता है आपकी कमेंट हाईलाइट होकर टीचर्स को दिखते हैं जिससे कि प्रायोरिटी मिल जाती है इसके अलावा दोस्तों और क्या बुरा था हाँ, zero, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए और अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं तो बेनिफिट्स है दोस्तों कि आपको सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स की क्लासेस एक्सेस आप कर सकते हो सारे कोर्सेज हर एग्जाम के बैंकिंग के जितने एग्जाम आते हैं हर एग्जाम के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे आप कोई भी कोर्स को देख सकते हो पुराने तीन चार सालों से जो भी टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है वो सारे के सारे कोर्सेस आपके पास अवेलेबल रहेंगे 2019 फेब उन्नीस एक तारीख से स्टार्ट हुआ था 2019 में एक फरवरी को अन अकेडमी प्लस स्टार्ट हुआ था ठीक है दो दिन बाद कितने साल होने वाले 19 से 20 20 से इक्कीस इक्कीस से 22 तीन साल कंप्लीट होने वाले हैं तो इस तीन साल में जितने भी कोर्सेस टीचर्स ने लिए होंगे वो सारे कोर्सेस आप देख सकते हैं ठीक है, चलो खत्म करते हैं दोस्तों बंद करता हूं एक पजल होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को यह पजल आप लोग होमवर्क बनाइएगा इसको कोशिश करिएगा बनाने की और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ठीक है खत्म टाटा बाय बाय इसको अच्छा एक दोस्तों रिपोर्ट एंड विन ये अन अकेडमी की तरफ से स्टार्ट हुआ है अगर कोई भी अन अकेडमी का टीचर कुछ भी अपशब्द या कुछ गलत बोलता है स्टूडेंट को तो आप उनके खिलाफ रिपोर्ट करिए टाइम स्टैम्प के साथ टाइम बताइए इस इस टाइम पे इस टीचर ने इस स्टूडेंट को यह कहा लेकिन फिर से वही चीज बोलूंगा स्टूडेंट की गलती थी या टीचर की पहले आपको ये चेक करना होगा ठीक है मतलब अगर स्टूडेंट की गलती है और कुछ अगर टीचर बोल रहा है तो भाई टीचर का हक बनता है क्योंकि गुरु गुरु होता है कुछ भी बोल सकते हैं भाई फिर स्टूडेंट को ठीक है लेकिन अगर स्टूडेंट की गलती नहीं है और उसके बावजूद कुछ भी बोले हैं तो फिर आप बिल्कुल रिपोर्ट करिए ठीक है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा और आप लोगों को प्राइस भी मिलेगा फिर उसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो डू द राइट थिंग ठीक है अनकेडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए ये लिंक है ए एल वन जीरो लगाकर अनलॉक कर, अन कर लीजिएगा फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं रात को दोस्तों अगर फ्री रहा तो एक फ्री क्लास जरूर लूंगा ठीक है अन अकेडमी पर स्पेशल क्लास तो थैंक यू सब्सक्राइब चैनल को करिएगा बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चलो खत्म करते हैं